गोल्डन बुक्स का दीवाना, पढ़ाई हो जो करनी, जरा भी ना घबराना, गोल्डन बुक्स को अपनाना, अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना। कक्षा विषय कोई हो, आसान समझ पाना, गोल्डन ही तो है सफलता का पैमाना। गोल्डन ही ला रहा है चेहरे पे मुस्कुराना, मैं गोल्डन का दीवाना, अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना। गोल्डन प्रस्तुत करता है हिंदी विषय में कक्षा 11 और 12 आधार की सर्वाधिक बिकने वाली रेफरेंस बुक्स। गोल्डन बुक्स की मुख्य विशेषताएं हैं, सभी पुस्तकें NCERT की नवीनतम पाठ्य पुस्तकों पर आधारित हैं और CBSE के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार हैं। प्रत्येक पाठ के शब्दार्थ और सारांश सरल भाषा में दिए गए हैं। NCERT के सभी अभ्यास प्रश्नों को हल किया गया है बहुत ही सहज भाषा में। अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे बहुविकल्पी प्रश्न बहुतायत में दिए गए हैं। गोल्डन की पुस्तकें कमजोर, औसत और मेधावी छात्रों के लिए वरदान सिद्ध हुई हैं। बहुत ही उचित कीमत में गोल्डन की पुस्तकें घर लाएं और अपना भविष्य उज्ज्वल बनाएं। हिंदी विषय के सभी श्रेष्ठ अध्यापक गणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं महेश धामा, गोल्डन हिंदी एडिटर और न्यू एज पब्लिशर्स की ओर से वेबिनार संचालक के रूप में मातृभाषा की सेवा करने वाले इन सभी अध्यापक गणों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज के इस वेबिनार में हमारा विषय 11वीं 12वीं आधार हिंदी में जो परिवर्तन हुए है, NCERT की पाठ्य पुस्तकों में जो कुछ परिवर्तन किए गए हैं और आने वाली 23-24 के जो परीक्षाएं बच्चों के लिए होगी उनमें क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या परिवर्तन आए हैं, किस नए मोड में ये परीक्षाएं होगी, इसको लेकर के आज हम अपनी ये चर्चा इस वेबिनार में करेंगे। जैसा कि आपको पहले से ही ज्ञात है कि डॉक्टर अशोक मित्रा जी इस वेबिनार में मुख्य वक्ता होंगे, लेकिन मैं उनसे पहले इस पब्लिकेशन के संचालक के रूप में जो अपना एक कार्यभार संभाल रहे हैं और तहे दिल से आपके आभारी है कि आप इन पुस्तकों को सराहते हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं, इन पुस्तकों को आप बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं और खुद भी इन पर अपना स्नेह रखते हैं। मैं अपने डायरेक्टर न्यू एज प्रबंधक श्री सौम्य गुप्ता जी को बुलाऊंगा, लेकिन उनसे पहले मैं सर का थोड़ा परिचय आपसे कराऊं। तो सर जो है न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स को पिछले 20 वर्षों से संभाले हुए है और सर ने जो है केमिकल में इंजीनियरिंग की है और डिप्लोमा किया है पब्लिकेशन लाइन में। और सर ये उनका एक पर्पज है कि वे अपने बुक्स को उन छात्रों तक पहुंचाए जो इसके माध्यम से एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ एक अच्छे नागरिक बनने का दायित्व समझे, एक राष्ट्रभक्त एक नागरिक बने, आगे बढ़कर के समाज में एक अच्छे समाज सुधारक बने, एक समाज को एक नई दिशा दे। सर का उद्देश्य केवल पुस्तकें बेच करके बिजनेस करना नहीं है, बल्कि अपने समाज को जागृत करना, समाज को ऊंचाइयों तक ले जाना और उसमें एक शिक्षा का स्तर इस ऊपर तक ले जाना ताकि आने वाले हर बच्चे को हर पीढ़ी एक यादगार बने और हिंदी जैसे विषय में जो कि हमारी मातृभाषा है इसमें एक श्रेष्ठता प्रदान हो और हमारे समाज में एक नई जागृति आए, हिंदी के प्रति लोगों का रुझान बढ़े, ऐसा सौम्य जी का मानना है। और अब मैं
सर को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और कंपनी के बारे में और पुस्तकों के बारे में दो शब्द हमारे सामने रखे। मैं सर को आमंत्रित करता हूं, सर आइए प्लीज। महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार। आज इस हिंदी वेबिनार में भाग लेने वाले सभी गणमान्य अध्यापकों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से डॉक्टर बत्रा जी जिन्होंने अपने बिजी समय से हमें समय दिया। न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स गोल्डन की पुस्तकें संपूर्ण भारत में पहचान बनाए हुए हैं। गोल्डन की पुस्तकें एनसीईआरटी पर आधारित तथा सीबीएसई के नवीनतम पाठ्यक्रम पर बनी हुई है। इन पुस्तकों की प्रशंसा अध्यापकों और छात्रों के साथ साथ अभिभावक भी करते हैं। सीबीएसई के पाठ्यक्रम तथा एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में किए जाने वाले परिवर्तनों को गोल्डन की पुस्तकें में जल्द से जल्द छात्रों को उपलब्ध कराने की हम पूरी प्रयत्न करते हैं। कंपनी की मार्केटिंग ब्रांच भारत के सभी शहरों में स्थित है। कंपनी स्कूल श्रृंखला की सभी प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित करती है। गोल्डन ऑल इन वन 1-5 की पुस्तकें में रिमझिम पाठ्य पुस्तक पर संपूर्ण हल दिया गया है। गोल्डन हिंदी 6-12 में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक वसंत स्पर्श संचयन आरोह आदि का संपूर्ण हल दिया गया है। गोल्डन की पुस्तकें पढ़कर छात्र गर्व महसूस करते हैं। 1-5 की गोल्डन हिंदी वर्कबुक पाठ्य पुस्तक रिमझिम पर आधारित है। ये पुस्तकें आज के छात्रों की पहली पसंद बनी हुई है। 6-10 की गोल्डन हिंदी वर्कबुक भी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है। ये पुस्तकें बहुत सराहनीय है। व्याकरण श्रृंखला में नवजीवन हिंदी व्याकरण तथा रचना 1-10 कक्षा तक की उपलब्ध है। हिंदी पाठ्य पुस्तक श्रृंखला में मुस्कान हिंदी पाठ वाला प्रवेशिका से 8 क्लास तक छपी हुई है और ये पुस्तकें भारत के सभी त्योहार, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं देशभक्ति गीत और घटनाओं में प्रमुखता से दिखाया गया है। इस वेबिनार में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी को हम एक प्रमाण पत्र देंगे। सभी अध्यापकगण से निवेदन है कि वो अपने ई प्रमाण पत्र के लिए जो वेबिनार खत्म हो जाएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में एक फीडबैक का लिंक आएगा, कृपया उस फीडबैक लिंक से फॉर्म भर के भेजें जिसमें कि उनके करेक्ट स्पेलिंग और स्कूल की स्पेलिंग होगी ताकि सर्टिफिकेट पे कोई गलती ना रहे। स्पेसिमेन कॉपीज को प्राप्त करने के लिए हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप specimen@newagepublishers.com पर अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, पुस्तक की जानकारी लिखकर भेजें। हम जल्द से जल्द किताबों को भेजने का प्रयास करेंगे, तो कृपया धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद। महेश जी स्टार्ट करिए प्लीज। सर बड़ा धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अब मैं डॉक्टर अशोक बत्रा जी से निवेदन करूंगा अपने जो है इस वेबिनार को संचालित करें और आज के इस आयोजन जो हमने रखा है 11वीं 12वीं आधार के 23-24 के सत्र को जो परेशानियां बच्चों को आने वाली है उनके समाधान हेतु, तो उनसे पहले मैं सर का थोड़ा सा परिचय, हालांकि मैं बार बार कराता हूं, इस बार कुछ नए अध्यापक जुड़े होंगे लेकिन फिर भी कौन डॉक्टर अशोक बत्रा जी को नहीं जानता। मैं तो बार बार उनसे जब भी बात होती है और जब भी किसी से बात होती है तो मैं कहता हूँ वो हिंदी के लिए ही जीते हैं और हिंदी के लिए ही उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया है। आज शायद लगभग 70 साल की उम्र सर की हो चुकी है और पिछले 40 वर्षों से वो इस पब्लिकेशन से जुड़े हुए हैं और लेखन से तो पता नहीं कब से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अशोक बत्रा जी हिंदी के जाने माने भाषाविद, शिक्षाविद और कवि है। वे हिंदू कॉलेज सोनीपत और रोहतक में प्रिंसिपल के पद पर उन्होंने सुशोभित किया है प्रिंसिपल का पद। उन्होंने पिछले 40 वर्षों से लगभग हुए प्रकाशन से जुड़ करके उन्होंने 50 से भी अधिक पुस्तकें हमारे लिए लिखी है। 2005-06 में व्याकरण ग्रंथ लिखकर उनको बेस्ट ऑथर का अवार्ड मिला था और वे एनसीईआरटी और सीबीएसई की पुस्तक मंडल में भी शामिल रह चुके हैं। अनेक बार भाषा प्रशिक्षण की सेवाएं देते रहे हैं। 100 से भी अधिक भाषा सम्मेलन कर चुके हैं। 1000 से भी ज्यादा कवि सम्मेलन में भाग ले चुके हैं और वे साहित्य के समीक्षक तो है ही, साथ ही उनकी रामचंद्र शुक्ल के 2 निबंध IAS के स्टूडेंट आज भी उनके पढ़ते हैं और
सर की क्या बात कहूँ, कहाँ देखने को नहीं मिलते, किसी भी टीवी चैनल पर, किसी भी भाषा सम्मेलन में, किसी भी कोई हिंदी गोष्ठी हो, संगोष्ठी हो, कोई भी हिंदी भाषा को लेकर के कहीं कोई प्रोग्राम हो, सर जुड़े रहते हैं। अब मैं सर को आमंत्रित करूंगा कि प्लीज आइए और अपना ये शुरू करिए। अशोक बत्रा जी प्लीज। धन्यवाद महेश जी। 11वीं और 12वीं कक्षा पढ़ाने वाले सभी अध्यापकों को सम्मान प्रणाम, और न्यू एज पब्लिकेशन के प्रकाशक श्री सौम्य गुप्ता जी को भी प्रणाम की, जिन्होंने हिंदी के अध्ययन अध्यापन को एक विशेष दिशा और निर्देशन देने के लिए अपने जीवन का कुछ समय अर्पित किया है। आज जिस सेमिनार के जिस विषय पर केंद्रित होकर हम वार्ता करेंगे वह 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं से संबंधित है। मित्रों, मैं जानता हूं कि कक्षा 10वीं से नीचे पढ़ाने में एक खास तरह की अध्यापकीय कुशलता अध्यापक के व्यक्तित्व में चाहिए होती है। कॉलेज में पढ़ाने वालों का एक अलग स्तर होता है और 11वीं 12वीं की कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापक ऐसा है जैसे सुनामी की लहरों से जूझते हो, या दिल्ली में आई फिलहाल जो बाढ़ थी, ऐसे बाढ़ के बीच में वे अपनी हिंदी का अनुशासन सिखाने के लिए आते हो। 11वीं और 12वीं की जो कक्षाएं हैं वे बड़ी उफान भरी उमंग भरी, जिसमें विद्यार्थी अपना पूरे जीवन को लेकर दाव लगाकर अध्ययन अध्यापन कर रहे होते हैं। और आज के समय में जब विज्ञान और वाणिज्य की शिक्षा मूल केंद्र पर आ गई है और साहित्य और भाषाएं हाशिए पर जाती चली जा रही हैं, ऐसे समय में हिंदी विषय के अध्यापक को अपना विषय कक्षा में पूरी प्राथमिकता के साथ और रुचि के साथ विद्यार्थियों की रुचि जगाकर पढ़ाना ये अपने आप में और कठिनतर होता जा रहा है। मैं इस चुनौती को भी समझता हूँ और इसलिए इन कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापक यदि बच्चों को अपनी कक्षा में रुचिपूर्वक टिकाए रखते हैं और उन्हें सुनने के लिए बाध्य कर देते हैं तो यह उनकी स्वयं में सफलता होती है। आज के सेमिनार का विषय 11वीं और 12वीं पर सेमिनार काफी समय से नहीं हुआ, 9वीं 10वीं के सेमिनार क्योंकि पाठ्यक्रम बड़ी तेजी से बदलता रहा वे तो होते रहे, लेकिन 11वीं 12वीं पर मैं समझता हूं कि दो एक वर्ष बाद मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। इससे पहले कि हम वार्ता करें, आपने देखा होगा CBSE पिछले अनेक वर्षों से विशेष रूप से 11वीं और 12वीं की कक्षा और पाठ्यक्रम में और उसके प्रश्न पूछने के स्टाइल में, उसकी शैली में निरंतर परिवर्तन करती आ रही है, और वह परिवर्तन इतना द्रुत तेज, और इससे पहले कि एक तरह की प्रश्न श्रृंखला आए और उसे प्रकाशन जगत भी समझ पाए, और इससे पहले कि पुस्तकें बाजार में तैयार उत्तरों के साथ पाठ्यक्रम को लेकर प्रकाशक आए मार्केट में, इससे पहले ही NCERT और CBSE मिलकर उसकी परीक्षा की शैली में परिवर्तन कर देते हैं। इसलिए चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। इस कारण से दायित्व बनता है हिंदी के अध्यापक का कि 11वीं 12वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए और परीक्षा में जिस तरह के प्रश्नोत्तर आने हैं उन प्रश्नोत्तरों के लिए अपने विद्यार्थियों को तैयार करने में और उनको तैयार करने से पहले स्वयं स्पष्ट होने में, क्योंकि जब तक हम स्वयं स्पष्ट नहीं हैं विद्यार्थी तक स्पष्टता जा नहीं सकती। इस कारण से अध्यापकों का वर्तमान प्रश्न शैली को देखते हुए यदि मैं कहूं तो नित्य अपडेट होना, नित्य नूतन होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण की कोई एक नियमित व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। हम अध्यापकों का जहां एक सौभाग्य है कि हम ज्ञान देते हैं इसलिए लोग हमें कहते हैं हम पीढ़ी निर्माता हैं, तो हम थोड़ा फूले फूले से भी रहते हैं, लेकिन वहां हमारा एक स्वभावगत दुर्भाग्य भी है कि हमें यदि कोई चीज पूछनी हो और हम स्पष्ट ना हो
तो हम अस्पष्ट रहना पसंद करते हैं, परंतु अपने किसी साथी से उस विषय के बारे में स्पष्टता ले लें इतना साहस हम जुटा नहीं पाते हैं, ऐसा मेरा सुदीर्घ काल का अनुभव है। हम अध्यापक आपस में एक दूसरे से विषय की वार्ता करके हम विषय को समझ लें, इतनी हिम्मत, इतना लोहा हम अपनी रगों में, अपनी नसों में पैदा नहीं करते, और कई बार हम विषय को चलने देते हैं। ऐसी स्थिति में आधिकारिक विद्वानों के सेमिनार्स में जाकर अपनी जिज्ञासाएं रखना, और कुछ भी यदि अस्पष्टता हो तो उसे स्पष्टता में बदल लेना बहुत जरूरी हो जाता है। इस दृष्टि से मैं शैक्षणिक वेबिनार्स को बहुत आवश्यक मानता हूं। तो आज इससे पहले कि हम 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना में जो पिछले 3-4 वर्षों में परिवर्तन हुए हैं, सारे परिवर्तनों पर वार्ता ना करके आज की जो स्थिति है हम इसको स्पष्ट होकर समझ लेते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से पाठ्यक्रम की पुस्तकें बदल रही हैं, पाठ बदल रहे हैं, परंतु कुछ जगह क्या होता, अध्यापक के पास पिछले 15 वर्ष से वो पढ़ा रहा है तो 11 वर्ष पुरानी पुस्तक उसके हाथ में है, तो बस पुस्तक को ही पढ़ता रहता है, तो कई बार ये भी ध्यान नहीं रहता कि आज पाठ्यक्रम की स्थिति क्या है। एक तो अच्छा ये रहता है कि जैसे हमारा ज्ञान नित नूतन होना चाहिए, हमारे हाथ में पुस्तक भी नित नूतन, नए प्रकाशन वर्ष की नव प्रकाशित पुस्तक होगी तो ये और भी अच्छा लगेगा, हमें इस आदत को डाल लेना चाहिए। फिलहाल 11वीं कक्षा में कौन कौन से चैप्टर्स अब नहीं रहे, इसके लिए आपने देखा होगा कि पर्दे पर आरोह भाग एक कक्षा 11 का न्यू एनसीईआरटी 2023 का गद्य भाग और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों दे रखे हैं, और लाल रंग में दो चैप्टर हैं जो 11वीं कक्षा में पहले थे, स्फीति में बारिश, और एक चैप्टर और है वह है आत्मा का ताप। ये दो अध्याय अब नहीं रहे 11वीं कक्षा में, अब गद्य भाग में 10 की जगह ये 8 अध्याय रह गए हैं, यह आपको याद रहना चाहिए। आगे काव्य भाग में भी एक परिवर्तन हुआ है। काव्य भाग में भी पहले जहां 10 चैप्टर से अब 8 रह गए हैं, कुल मिलाकर 20 की जगह 16 ही लेखक रह गए हैं पाठ्यक्रम में। दो चैप्टर्स राम नरेश त्रिपाठी जी की पथिक कविता और सुमित्रा नंदन पंत जी की वे आंखें, ये दो कविताएं अब पाठ्यक्रम में नहीं रही हैं। इसलिए एक तो 11वीं कक्षा में इस परिवर्तन को आप ध्यान में अपने रख लें। एक तीसरी पुस्तक है वितान। वितान भाग एक में कोई परिवर्तन नहीं है, पहले भी 3 ही अध्याय थे, अब भी 3 अध्याय हैं। 11वीं कक्षा की वितान पुस्तक के सभी अध्याय अपरिवर्तनीय हैं। परीक्षा शैली में तो है, लेकिन पाठ्यक्रम के पाठों की जहां तक बात है, इसलिए यदि आपके पास पुराने कोई पेपर्स हैं जिनमें इन चैप्टर्स में से कोई प्रश्न आए हैं, तो कई बार हमारी आदत होती है कि हम 10-year पेपर को सॉल्व करते कराते रहते हैं, तो इससे भी बचा जाए। अब 12वीं कक्षा में आते हैं। 12वीं कक्षा में आरोह पुस्तक में काव्य भाग में गजानन माधव मुक्ति बोध जिनकी कविता थी सहर्ष स्वीकारा है, अब यह पुस्तक अपने पाठ्यक्रम में नहीं रही है। इसी तरह से फिराक गोरखपुरी को जरा ध्यान से सुने आप, ये हैं भी और नहीं भी। अर्थ ये कि फिराक गोरखपुरी पाठ्यक्रम में तो हैं, परंतु उनकी जो गजल थी वह अब पाठ्यक्रम में नहीं रही है। रुबाइयां नाम से जो कविता है वह पाठ्यक्रम में है। तो एक तरह से इसमें भी 8 की बजाय पहले 10 चैप्टर से अब 9 हो गए हैं। 9 में से भी फिराक गोरखपुरी का एक भाग गजल यह समाप्त कर दिया गया है, लेकिन रुबाइयां पाठ्यक्रम में अभी भी है। आगे हम आते हैं इसके गद्य भाग की तरफ। गद्य भाग में पहले 8 अध्याय थे और अब
यहां रह गए हैं 6 अध्याय। चार्ली चैपलिन, यह जो पाठ था यह पाठ्यक्रम में नहीं रहा, इसी तरह से नमक कहानी थी, वह नमक कहानी भी पाठ्यक्रम में नहीं रही है। गद्य भाग में अब 6 ही चैप्टर्स रह गए हैं। कुल मिलाकर 12वीं की इस आरोह पुस्तक में पहले 18 अध्याय थे, अब 18 की बजाय 15 अध्याय पाठ्यक्रम में रह गए हैं। 3 अध्यायों से आपको मुक्ति मिली है, इस बात का आप ध्यान रखें। जहां तक 12वीं कक्षा की वितान की बात है, इसमें भी 1 अध्याय कम हुआ है। काफी एक लंबा चैप्टर था, डायरी के पन्ने एन फ्रैंक का लिखा हुआ, तो वह अब आपके पाठ्यक्रम में नहीं रहा है। अब से केवल 3 ही अध्याय आपके पाठ्यक्रम में रह गए हैं। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए 12वीं कक्षा के बारे में। यह जो नई पुस्तक आई है वह छपी भी इस तरह से है, ये जो गुलाबी रंग से जो चैप्टर्स अंकित किए गए हैं ये उसमें है ही नहीं। तो यदि आप इस नई पुस्तक को स्वयं भी खरीदेंगे और बच्चों को भी यही खरीदने के लिए कहेंगे, तो सबसे अच्छी बात है ये याद रखना, क्या था क्या नहीं रहा उसकी बजाय क्या है बस वही याद रहे, तो ज्यादा स्पष्टता रहती है, ज्यादा आसानी में रहते हैं। इस विषय में मैं नहीं समझता किसी प्रकार का कोई संदेह आपके मन में होगा या कोई प्रश्न उठ रहा होगा, लेकिन यदि फिर भी कोई प्रश्न पाठ्यक्रम के परिवर्तन के बारे में आपके मन में हो तो आप वे जिज्ञासा लिख कर आप भेज सकते हैं। हमारे जो वेबिनार संयोजक हैं वे उन प्रश्नों को अपने पास एकत्र करते जाएंगे। हमारे वेबिनार की एक सीमा रहती है कि हम आमने सामने होते हैं तो आंख की भाषा से भी समझ जाते हैं कि किसी की आंख में प्रश्न तैर रहा है, वक्ता उसकी ओर फोकस करके उससे पूछ लिया करता है। परंतु वेबिनार में इस तरह की सुविधा नहीं होती है कि हम एक एक प्रश्न को तुरंत देखकर उसका उत्तर दे सके, तो इसकी अपनी सीमाएं हैं, परंतु अपने वरदान भी हैं कि घर बैठे बैठे आप नवीनतम सूचनाओं की प्रामाणिक जानकारी ले रहे हैं। जो ईश्वर दे, जो नई सुविधा दे, उस सुविधा की ओर ही ध्यान रखना चाहिए, दुविधा की ओर नहीं। जिसकी जो कमी है उसको एक बार पर्दे में डाल दिया जाए तो अच्छी बात है। अब हम आते हैं इस पाठ्यक्रम के पश्चात, जो प्रश्न की शैली में परिवर्तन हुआ है। जी, अभिव्यक्ति और माध्यम के बारे में भी पूछा है, बताया गया है, तो बिल्कुल यह भी आपको जानना चाहिए। ये प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर यही दे देता हूं, वो अच्छा रहेगा। देखिए, 11वीं जो कक्षा है, अभी आएगा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाइए। ये 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में, एक सेकंड रुके, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। देखिए, टोटल 100 नंबर का जो पेपर है 11वीं में हो चाहे 12वीं में, इसमें 20 नंबर तो 10 नंबर परियोजना के और 10 नंबर श्रवण कौशल के, वे 20 नंबर हम काट कर एक तरफ कर दें, उस पर हम कोई वार्ता नहीं करने वाले। आज का हमारा विषय उन 80 अंकों के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, हम उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें 40 अंक बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस वाले जो प्रश्न हैं, 40 नंबर का वह पोर्शन हो गया है और 40 नंबर संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। बड़े प्रश्नोत्तर तो अब अधिक रहे नहीं है, वो पहले निबंध आते थे 10-15, वो तो काफी समय बीत गया, अब अधिक से अधिक 6 नंबर का ही एक प्रश्न आता है जिस पर मैं आऊंगा। तो पहले हम 11वीं हो चाहे 12वीं, दोनों में ही 40 अंकों के, जी मैं अंकों के अनुसार ही इस पर भी, एलन तिवारी जी मैं इस पर इसका भी उत्तर जरूर दूंगा, आप जो भी जिज्ञासा रखते हैं मैं देख लेता हूं, बीच बीच में मैं उन प्रश्नों के उत्तर भी देता चलूंगा। देखिए, अपठित बोध के नाम पर पहले अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश
ग्यारहवीं और बारहवीं में एक जैसे हैं। एक तो ये बात होगी दोनों एक जैसे हैं। इसमें भी क्या है कि अपठित गद्यांश 10 अंकों का है, इसमें 10 अंकों का है यानी 300 के लगभग शब्दों का कोई अनुच्छेद आएगा। CBSE हर साल इसकी शब्द की सीमा बढ़ाती घटाती रहती है, कभी 300 शब्द, कभी 400, 500, कभी 750 भी थे, लेकिन आज लेटेस्ट जो आपके पास सौभाग्य से इस बार जब नया पाठ्यक्रम आया है तो इस बार CBSE ने उसका एक सैंपल पेपर प्रतिदर्श प्रश्न पत्र भी साथ ही साथ दे दिया। पहले होता क्या था कि पहले पाठ्यक्रम आ जाता था, कुछ समय बाद प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी मॉडल टेस्ट पेपर आता था, उसमें पहले वाला जो व्यवस्था होती थी उसमें परिवर्तन कर दिया जाता था। अध्यापक अंत तक डामाडोल रहता था कि हम वो पाठ्यक्रम को माने, उसके अंक विभाजन को माने या प्रतिदर्श प्रश्न पत्र को माने, झूलता ही रहता था। इस बार अभी तक तो वह झूलना बंद इसलिए हुआ कि पहली बार पाठ्यक्रम के साथ साथ मॉडल टेस्ट पेपर भी आ गया है, इसलिए मैं दोनों के हवाले से आपको ये स्पष्टता देना चाहूंगा कि अपठित बोध या अपठित गद्यांश जो है ये सभी बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, सभी के सभी बहुविकल्पी होंगे। ऐसे ही पद्यांश में भी सभी बहुविकल्पी होंगे। और एक बात जरूर है, ये प्रश्न तो बहुविकल्पी हैं परंतु पैराग्राफ एक ही आएगा, एक अपठित गद्यांश पर आधारित एक दे रखा है, इसमें विकल्प नहीं है। ध्यान करें आप, एक एक नंबर के 10 प्रश्न होंगे ग्यारहवीं में भी और बारहवीं में भी। अपठित पद्यांश में भी 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यह 150 शब्दों के लगभग कविता होगी और इसमें एक एक नंबर के 5 बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न होंगे। इसमें मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब 300 शब्द कहे जाते हैं तो इन 300 शब्दों को कैसे गिना जाए इसके भी भिन्न भिन्न क्योंकि नियम हो जाते हैं। तो मान के चलना 300 की जगह 350, 450 भी हो गए हैं, 400 भी हो गए तो घबराना नहीं, और कम होकर 250, 200 भी हो गए हैं। यह डावाडोल वाली स्थिति प्रत्येक वर्ष मैंने मिलाकर देखी है, तो एकदम उतने शब्द पर अडिग नहीं रहता परीक्षक। तो आप भी इसमें लूजली बाउंड थोड़ा सा आप शिथिलता रखें। 300 एक आदर्श स्थिति है, 50 शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं तो इसको अन्यथा आप ना लें। और 150 शब्दों की कविता तो बहुत कम होती है, कविताएं तो अधिकतर होती ही 70, 80, 90, 100 शब्दों में समाप्त हो जाती है। छोटी छोटी कविताएं ही पाठ्यक्रम में होती है, 150 शब्दों की कोई लंबी कविता हो जाती है, पर फिर भी आप मान के चलें कविता के शब्द 100-120 के आसपास की ही स्थिति रहती है। ये है व्यावहारिक बात जिस पर आपको ना तो अधिक रुष्ट होना है ना अधिक प्रश्न उठाने हैं। ये एक शैली चलती रहती है क्योंकि मुझे भी पढ़ाते हुए 40-50 वर्ष हो गए, और अगर कई बार परीक्षक बंधी बधाई लीक से हटता भी है तो हम कितना भी कहते रहें, शिकायत मन में रखते रहें, लेकिन व्यावहारिक रूप से उसे ठीक करवाना और ये हमारे वश में नहीं होता, तो मान के चलते थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर होता है, इसको आप अन्यथा ना लें। ये जो प्रश्न है बहुविकल्पात्मक, तो इसमें मॉडल टेस्ट पेपर मैं आपके सामने रखूंगा तब आप देखेंगे, लेकिन एक खास तरह के प्रश्न इस बार नए जुड़े हैं, 2 तरह के प्रश्न हैं। उन 2 तरह के प्रश्नों पर मैं ध्यान अपना आपका केंद्रित करवाऊंगा, लेकिन एक बार मैं पूरा ये आपको सिलेबस बता लूं उसके बाद शुरू करूंगा, लेकिन मैं उसका नाम ले लेता हूं। इस बार की जो नई शैली आई है वह है तर्क विश्लेषण संबंधी प्रश्न। तर्क विश्लेषण संबंधी प्रश्न का अर्थ ये कि एक स्टेटमेंट दी जाएगी, एक अभिकथन दिया जाएगा और नीचे रीजन उसका कारण दिया जाएगा, और फिर आपसे विकल्प पूछा जाएगा, बताएं कि क्या कथन और उसकी व्याख्या के रूप में जो कारण है
ये दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या कथन तो सही है लेकिन उसका कारण गलत है, या उल्टा है, कथन गलत है व्याख्या ठीक है, इन चारों में से क्या स्थिति है। यानी इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर ना होकर बच्चे को गंभीरता पूर्वक विश्लेषण करके जो स्टेटमेंट दी गई है उस स्टेटमेंट का कितना अर्थ समझते हैं आप, उसकी गहरी व्याख्या विश्लेषण उसके मन में चले, उसकी तर्क विश्लेषण क्षमता से आकलन की जो उसकी ताकत है, उसके निष्कर्ष तक पहुंचने की उसकी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए इस तरह के प्रश्न आए हैं। जो पहले प्रतियोगिता में, बिल्कुल ठीक कहा माधव शर्मा जी ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के सवाल पूछे जाते थे, और आज हम विद्यार्थियों को प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहे हैं। यह एक अलग बात है कि अभी आप प्रतियोगिता के लिए जो प्रश्न आ रहे हैं उसको पाठ्यक्रम में देंगे, जब तक आप प्रतियोगिता के लिए आएंगे तब तक प्रतियोगिता के प्रश्न भी बदल चुके होंगे, तू डाल डाल में पात पात, ऐसा तो होता है। परंतु फिर भी CBSE हमेशा ये प्रयास करती है कि हमारे विद्यार्थियों की जो तर्क विश्लेषण क्षमता है उसका विकास करने के लिए जिस परीक्षा के माध्यम से आप अपने करियर में एडजस्ट होने वाले हैं उस तरह के प्रश्नों के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में भी इस तरह के तर्क विश्लेषण संबंधी ए यानी स्टेटमेंट और कथन और आगे रीजन कारण इस तरह के प्रश्न आएंगे। इसके दो तीन प्रकार हैं, मैं इस पर थोड़ा सा बाद में फिर चर्चा अलग से करूंगा। एक दूसरी तरह का प्रश्न आया है कॉलम वाले प्रश्न। कॉलम वाले प्रश्न जैसे छोटे बच्चों को पहली दूसरी क्लास से मिलान संबंधी होते हैं, बिल्ली का फोटो छाप दिया, इधर रख दिया बिल्ली और कहते हैं एरो से मिलाओ तो, कि बिल्ली कौन सी है वो शायद हम उसको शब्द ज्ञान के लिए हम ऐसा करते हैं। ये जो एरो लगाते हैं बाईं तरफ कॉलम में ये तीन चित्र दे रखे हैं और इधर तीन तरफ वो शब्द दे रखे, इसको मिलाइए। इसी तरह से अब कुछ चित्र और इतने सरल तो है नहीं, परंतु जो भी पैराग्राफ आया है उसमें तीन मान लो प्रतीकात्मक शब्द आ गए, फूल कांटे और आंधी, और इधर दे दिया दुख सुख और सुविधा कोई दे दिया, इसको मिलान कीजिए आपस में। तो सांकेतिक स्थितियां उनके मिलान के लिए इस तरह के प्रश्न भी आने लगे हैं। ये जितने भी बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न आना शुरू हो गए हैं इस बार से। अभी गुजरात की दशा के बारे में किसी ने अपनी बात रखी है, हम प्रांत की स्थितियां थोड़ी सी बाद में चर्चा कर लेंगे। एक बार अभी तो पूरे देश में CBSE के स्कूलों में जो परिवर्तन किया गया पाठ्यक्रम में, मैं एक बार आपको स्पष्टता से पहुंचा सकूं, मेरे आज के सेमिनार का पहला धर्म ये है कि आप CBSE क्या सोच रही है, अध्यापक को किसके लिए तैयार होना है, इसमें समस्या कहाँ आ रही है। आप प्रश्न का जब उत्तर देंगे, मैं फिर डिटेल में जब चर्चा करूंगा तब इस पर जरा लूंगा, अभी मैं और आगे चलता क्योंकि अभी तक तो 15 नंबर का ये हुआ जो बहुविकल्पी प्रश्न है, 10 नंबर अपठित गद्यांश, 5 अपठित पद्यांश, 5 नंबर है जो अभी प्रश्न पूछा था कि जो मीडिया लेखन वाली पुस्तक है इसमें 11वीं का पाठ्यक्रम अलग है और 12वीं का अलग है। 11वीं के पाठ्यक्रम में जो 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, 5 नंबर के प्रश्न में चैप्टर नंबर 1 और 2, 11वीं कक्षा में जो पुस्तक है आपकी, इस पुस्तक में पहला चैप्टर है जन संचार माध्यम, दूसरा है पत्रकारिता के विविध आयाम। 11वीं में केवल ये 2 ही चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर आएंगे। 11वीं के टीचर ध्यान रखे, केवल 2 चैप्टर्स हैं, इन्हीं के ही आप बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर तैयार करेंगे। जबकि 12वीं के अंदर वह अलग व्यवस्था है, 12वीं के मैं अभी आपके सामने स्पष्ट करता हूं, पहले 11वीं पर करते हैं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप 11वीं तक की स्थिति ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव टाइप जो सवाल है बहुविकल्पी, केवल चैप्टर नंबर 1 जन संचार माध्यम और लेखन पुस्तक का
पहले दो चैप्टर्स में से इस तरह के प्रश्न आएंगे छोटे। और इसके साथ जो आपकी पुस्तक है आरोह और वितान, इसमें से भी प्रश्न आएंगे जो शॉर्ट होंगे। एक पद्यांश आएगा, उस एक पद्यांश में से पांच प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पी होंगे। अभी मैं बहुविकल्पी प्रश्नों के जो 40 हैं, 40 अंकों के बारे में बोल रहा हूं। 15 अंक गद्यांश पद्यांश के और 5 अंक मीडिया लेखन वाली पुस्तक के। 11वीं में पहले दो चैप्टर है, ये 20 अंक का हो गया, बाकी 20 अंक रह गए। 20 अंक में दो पुस्तकें हैं, एक है आरोह। आरोह में भी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे जो अति लघुतरात्मक बहुविकल्पी होंगे। तो बहुविकल्पी में 5 नंबर का एक पैराग्राफ कविता में से दिया जाएगा, उस एक पैराग्राफ में से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी होंगे, उनका उत्तर देना होगा। इसी तरह से एक गद्यांश पूछा जाएगा 5 अंकों का, उसमें से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 10 अंक की तो होगी आरोह पुस्तक, या वितान को कुछ ज्यादा अंक मिले अनुपात में, वितान पुस्तक में से एक ही चैप्टर में से, सॉरी जरूरी नहीं एक चैप्टर हो, तीनों के तीनों चैप्टर्स में से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन 10 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। यानी वितान के बहुविकल्पी 10 प्रश्नों की 10 अंकों की है, तो वितान पुस्तक को पढ़ाते समय आप ध्यान करें, वहां पर अति लघु जो प्रश्न है बहुविकल्पी उसका अनुपात ज्यादा है। 11वीं में भी ऐसा है और ध्यान करें 12वीं में भी ऐसा है, ये सरलता हो गई है, मुझे अब 12वीं के लिए दोहराना नहीं पड़ेगा। 12वीं की पुस्तक में भी पद्यांश का एक पद्यांश आएगा जिसमें से कि 5 अंकों के 5 प्रश्न होंगे, एक गद्यांश होगा जिसमें 5 अंकों के 5 प्रश्न होंगे, और वितान पुस्तक में 12वीं में भी सारे के सारे चैप्टर्स में से जो आपके पाठ्यक्रम में है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10ों के उत्तर देने होंगे, उसमें कोई आपको अल्टरनेटिव 11वां 12वां नहीं पूछा जाएगा। ये है आपकी पाठ्य पुस्तक। तो ये 40 अंक हो गए पूरे, 20 अंक पुस्तकों के और 20 अंक गद्यांश और मीडिया लेखक के। मैं समझता हूं 11वीं और 12वीं दोनों के बारे में आपकी क्लैरिटी, अगर नहीं है तो यहाँ कोई प्रश्न है तो आप जैसे लिख रहे हैं आप यहाँ डाल देंगे, तो मैं उसी को पढ़कर उसका उत्तर जो समाधान हो सकता होगा देने का प्रयास करूंगा। अब आते हैं कि 40-40 अंक जो बच गए उसका क्या होगा। 11वीं पर आते हैं, फिर मैं 12वीं पर आऊंगा। देखिए 11वीं में 40 अंकों का विभाजन इस तरह से किया गया है कि जो पुस्तकें हैं आरोह और वितान, इन दोनों के 23 अंक रखे गए हैं और 17 अंक जो बाकी बच गए वे हैं रचनात्मक लेखन में। 23 और 17 40 इस तरह से विभाजन किया गया है 11वीं में। 12वीं में थोड़ा सा परिवर्तन, एकदम थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, और वह परिवर्तन है कि 10वीं कक्षा में यह विभाजन 23 और 17 का ना होकर 24 और 16 का है। 24 अंक हैं काव्यांश गद्यांश आरोह और वितान के 4 अंक, बस इतना ही अंतर है। एक तो ये परिवर्तन आपके ध्यान में होना चाहिए। वह किस तरह से है, काव्यांश में 11वीं में हो चाहे 12वीं में एक जैसी स्थिति है, 3-3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। जब 3 नंबर का प्रश्न है तो सीधी सी बात है 20 से गुणा कर लें, 60 शब्दों तक उसका उत्तर दे देना आपको। यानी 3 नंबर का है तो 60 शब्दों का प्रश्न, और अगर 2 अंकों का कोई उत्तर है तो 40 शब्दों तक, एक तरह से 20 शब्दों का एक अंक, ये एक मोटी मोटी पॉलिसी तय हुई है। तो इस दृष्टि से काव्यांश में 2 प्रश्न 3-3 नंबर के जो 60-60 शब्दों के होंगे, और 2 प्रश्न 2-2 नंबरों के जो 40 शब्दों के होंगे। तो 2 प्रश्न काव्यांश में से, 2 प्रश्न गद्यांश में से, बिल्कुल ऐसे ही एकदम डिटो 60-60 शब्दों में 2 प्रश्न 3-3 नंबर के गद्यांश में से हो गए, और 2-2 प्रश्न जो है वो छोटे हैं जो 40-40 शब्दों के हैं। तो एक तरह से 6 और 4 10 अंक
काव्यांश के 10 अंक हो गए गद्यांश के, और वितान में 11वीं में 3 अंकों का एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, 3 का एक ही पूछा जाएगा। 23 अंक हो गए, 23 अंकों में यह आपकी आरोह पुस्तक और वितान पुस्तक के, जिसको आप विस्तृत तो नहीं संक्षिप्त उत्तरों वाले प्रश्न हो गए, थ्योरेटिकल। ये हो गया 11वीं का। 12वीं में आए तो 12वीं में काव्यांश और गद्यांश का बिल्कुल ठीक यही था, एक नंबर वितान में जो बढ़ गया है। वितान में क्या किया गया है कि 3 अंकों का एक प्रश्न देने की बजाय 2-2 अंकों के 2 प्रश्न दिए गए हैं। बस 12वीं में वितान के जरा 40-40 शब्दों में 2 चैप्टर्स में से 2 सवाल पूछे जाएंगे, पूछे तो 3 जाएंगे लेकिन 2 के उत्तर आपको देने होंगे। यह हो गई, दोनों की दोनों पुस्तकें हो गई। अब शेष रह गए 11वीं कक्षा में 17 अंकों का लेखन, जिसको आप रचनात्मक लेखन कह सकते हैं, और यहां आए आप 12वीं में तो 16 अंकों का इस तरह का लेखन रह गया। इस पर थोड़ा आपका ध्यान देना जरूरी है क्योंकि इसमें कुछ नए विषय भी हैं जिन पर थोड़ा सा विचार मैं आपके सामने दूंगा। यद्यपि आप स्वयं बहुत प्रबुद्ध हैं, कोई मैं ऐसा वहम नहीं पालता कि मैं ही आपको कुछ इसके बारे में बताऊंगा, कोई दिशा निर्देशन वगैरह दूंगा, आपने पढ़ा है स्वयं भी। लेकिन क्योंकि ऐसे सेमिनार में आते जब कोई विषय नया आने लगता है और प्रश्न चुनौतीपूर्ण आने लगते हैं, और जैसा मैंने कहा कि हम अध्यापक एक दूसरे से वार्ता थोड़ी सी कम करते हैं, तो इस कारण से मैं कुछ जहां जहां आप उलझते हैं इसकी कल्पना करके उन उत्तरों को यहां इस सीमित से समय में देने का प्रयास करूंगा। आप मेरे इस निवेदन को आप स्वीकार करें, जरा आप ध्यान से सुने। दोनों ही 11वीं और 12वीं में एक जो सबसे अधिक अंकों का है अप्रत्याशित लेखन। अप्रत्याशित लेखन ये क्यों दिया गया, क्या चीज है, जरा इसको समझने की भी बात है। किसी नए करंट टॉपिक पर, किसी नए विषय पर, अप्रत्याशित विषय पर एक रचनात्मक लेखन करना है, ध्यान करना। अप्रत्याशित विषय का मतलब क्या, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। देशभक्ति की कल्पना कर सकते हैं, एकता की कल्पना कर सकते हैं, लोकतंत्र इसकी कल्पना कर सकते हैं, इस तरह के तो विषय चल ही रहे हैं। और इस तरह के विषय चल रहे हैं, बच्चा गाइडों में से किताबों में से रटता है, रट कर उगल आता है, जबकि 11वीं 12वीं में CBSE ये चाहती है कि हम बच्चे को स्वयं कुछ लिखे इसके लिए प्रेरित करें। तो वो स्वयं कैसे लिखेगा, वो तब लिखेगा उसको टॉपिक ऐसा दिया जाए जिसकी आशा ही ना हो, ये किसी गाइड में होगा ही नहीं। जब होगा ही नहीं तो इसका अर्थ आपको वही देना पड़ेगा उसका उत्तर, इसका मतलब आप स्वयं अपनी भाषा में लिखेंगे। किसी भाषा को आप फॉलो नहीं कर सकते, किसी और भाषा का अनुकरण नहीं कर सकते, और वास्तव में सीखने वाले बच्चे के लिए अनुकरण एक एक छड़ी तो है, परंतु अल्टीमेटली उसको छड़ी छोड़कर अपने पांव पर खड़ा होना होता है। वो छड़ी पकड़ने की उम्र थी 5वीं 6वीं में, आप सारी हेल्प टीचर की हेल्प ये करते करते 11वीं 12वीं में तो हम कहते हैं छोड़ सारी छड़ियां, स्वयं लिख, लिख कर बता कि तुझे क्या समझ में आया, भाषा कैसी लिखनी आती है कि नहीं आती है। इसलिए विषय ऐसा होगा कि बरसात भरी कीचड़ में जब मैं गिरा, लिखो इस पर। अब बताओ बरसात भरी कीचड़ में मैं जब गिरा, अब ये विषय तो पहले कभी सोचा ही नहीं, वहीं पर बैठ के आपको सोचना भी है, बारिश भी करवानी है, कीचड़ की कल्पना भी आपको स्वयं करनी है, वो कीचड़ कैसी हो, वो आपके घर के पास की क्या स्थितियां हैं, कौन सी कीचड़ की कल्पना करते हैं, फिर आप गिरे हैं तो उठे भी हैं कि नहीं उठे, तो ये सब कुछ आपको देखना है। और शब्द कितने हैं इसमें, 11वीं में एक गलत चीज लिखी है वो मैं आपकी ओर ले आता हूँ, ध्यान करें आप, एक गलती पाठ्यक्रम में लिखने में कई बार रह जाती है, बड़े बड़ों से भी रह जाती है। देखिए 11वीं में क्या लिखा है, वो लिखा है दिए गए 3 अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग
120 शब्दों में रचनात्मक लेखन, दाई ओर लिखा है 5 अंक और नीचे लिखा है 6 अंक, ये गलत छप गया है, ध्यान करें, 11वीं में। और इसके अंक हैं कितने मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मेरे सामने अप्रत्याशित लेखन के अंक वहां 5 अंक हैं, लेकिन गलती से पाठ्यक्रम में भी दाई तरफ 5 लिख दिया गया, नीचे गलती से 6 लिख दिया गया, शब्द 120 दे रखे हैं। एक कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन ठीक हो जाएगा किसी दिन। ये 18 अंक की जगह 17 अंक है, क्योंकि 23 अंक ऊपर हो चुके ना, अभी मेरे सामने आया कि ये तो 18 अंक बैठते, वो 18 नहीं है 17 है, इसलिए 6 के 5 अंक कर लीजिए, गलती रह गई होगी पाठ्यक्रम से, आप क्षमा कीजिए, छोड़िए आप उसे, क्योंकि 12वीं में जब आते हैं तो 12वीं में इसके अंक 6 अप्रत्याशित लेखन के, पर 12वीं में टोटल ये 16 नंबर का है, तो उसमें पत्र ना होने की वजह से अप्रत्याशित लेखन के 6 अंक और 120 शब्दों का है। आप 11वीं में इतना स्कोप रखिए कि 120 शब्दों का आ जाए तो भी आप उसके लिए तैयारी करवाइए बच्चों से, पर अगर केवल 100 शब्दों का और 5 अंकों का हो तो भी आप उसकी तैयारी रखिए। मैं आपको, आपने कहा कुछ बीच में और इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं आपको वो सूचना दे रहा हूं जो CBSE ने अभी लेटेस्ट जो पाठ्यक्रम भेजा है और जो सैंपल पेपर भेजा है, मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूं, अन्यान्य साधनों से आपको जो सूचना मिली है, आप सावधान रहेंगे कि आपको केवल अगर अनुकरण करना है तो CBSE की प्रामाणिक स्रोत से आई हुई जानकारी को ही आप अपना आधार बनाएंगे, अन्य किसी आधार को आप स्वीकार नहीं कर सकते, वरना आप ही को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो अप्रत्याशित लेखन ये 5 या 6 अंक का आएगा, या यूं कहें 11वीं में 5 अंक का और 12वीं में 6 अंक का है। इस विषय पर भी थोड़ी सी अगर कोई बात करने की होगी कि जब अप्रत्याशित जो रचनात्मक लेखन में लिखना क्या है, पहले आया था कि रचनात्मक लेखन, पूछा था रचनात्मक लेखन में क्या लिखें, लेख लिखें, निबंध लिखें, कहानी लिखें, नाटक लिखें, संवाद लिखें, क्या लिखें, ये स्पष्ट नहीं था। देखिए आप, नित परिवर्तन हो रहा है आपके पाठ्यक्रम में, पिछले 1-2 साल पहले आप ये जरा उठा कर देखिए तो ये लगता था, ये भी स्पष्ट नहीं है कि आपको इस पर कविता भी लिखने के लिए कहा जा सकता, संवाद भी लिखने के लिए कहा जा सकता है, कुछ भी, लेख भी, निबंध भी, अब इतनी तैयारी रखना, लेकिन बात समझ में आ गई पाठ्यक्रम के निर्माताओं को, संभव नहीं है। इसलिए इस बार क्या किया गया, विषय तो रखा गया अप्रत्याशित विषय होगा, लेकिन उस पर रचनात्मक लेखन करना है। तो लेखन का मतलब फिर भी क्या, अब तो कहानी भी तो लेखन है, निबंध भी तो लेखन है, कविता भी तो लेखन है, छूट दी गई। आप चाहे तो किसी भी विधा का इस्तेमाल कर लें, लेकिन हमारा जो प्रशिक्षक शिक्षक है, आप लोग जब जांचकर्ता के रूप में बैठते हैं, आप बताइए रचनात्मक लेखन वाले प्रश्न में अगर कोई कविता लिख दे तो क्या करेंगे आप? उस दिन बारिश में जब मैं भीग गया, कोई कविता लिख दे इस पर, भीग गया मैं पानी में, ऐसी कोई कविता बना दे तो क्या आप उसको अंक देंगे? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, ये प्रश्न आपको सोचने के लिए विवश कर रहा हूं। पाठ्यक्रम समिति कई बार खुला ये तो लिखते रचनात्मक लेखन, लेकिन हमें अध्यापकों को इस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा कि वो जो भी लिखता, कविता भी लिख दे, वो लिख गया, आप नहीं लिख सकते, लेकिन आप काटेंगे नहीं उसे, तो उसने संवाद लिख दिया, क्योंकि वो भी रचनात्मक लेखन है। किसी भी तरह का रचनात्मक लेखन रचनात्मक लेखन है, तो आप बल्कि इस बात की प्रशंसा करते हुए कि दूसरा कविता लिख नहीं सकता वो बच्चा लिख गया, वो नाटक लिख नहीं सकता उसने लिख दिया, कोई कहानी लिख नहीं सकता परीक्षा भवन में बैठ रहा और कहानी बना भी ले, लिख भी दे, ये तो उसकी प्रतिभा का परिचायक है, आपको उसको सहारा देने के लिए अंक देने ही चाहिए। ध्यान करें, आप थोड़ा उदार होकर देने चाहिए। वैसे होगा क्या, 98% बच्चे क्या लिखेंगे, वह एक लेख या निबंध लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि रचनात्मक लेखन की प्रतिभा, और वो भी तत्काल वहीं बैठे बैठे परीक्षा भवन में कोई लिख दे, ऐसा ना तो कोई रिस्क लेता है ना इतनी प्रतिभा समक्ष आती है,
इसलिए व्यावहारिक बात यह है कि आप रचनात्मक लेखन के नाम पर लेख या निबंध लिखेंगे। अब लेख या निबंध में क्या अंतर होता है, समय बचा तो मैं इस पर भी आऊंगा। लेख किसे कहते हैं, आलेख किसे कहते हैं, फीचर किसे कहते हैं, कहानी किसे कहते हैं, ये सारी अगर समय बचा तो इस पर भी बात करेंगे। निबंध और लेख में अंतर होता क्या है, जिंदगी में समय नहीं मिलता, जिंदगी बीत जाती है। उसी तरह से हो सकता है कि ये पाठ्यक्रम के तथ्य और आंकड़ों को बताते बताते हो सकता समय पूरा बीत जाए, जो बहुत मार्मिक से प्रसंग है जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, कई बार उसके लिए समय रहता नहीं है। ये हमारी विवशता, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रचनात्मक लेखन 120 शब्दों का होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति 120 शब्द गिनने ना बैठे, उसका एक अंदाजा होता है, वो अंदाजा लेना भी मैं समझता हूँ उस पर भी हमारी बातचीत होनी चाहिए। फीचर लेखन पर एक बात आई है, आया क्या फीचर लेखन पर कुछ बताइए। मैं मुस्कुरा रहा हूँ आपके प्रश्न पर, आपकी जिज्ञासा बहुत ठीक है। मैं भी बताता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि फीचर लेखन पर बोलना भी मुझे अच्छा लगता, क्योंकि जिसको क्लैरिटी हो जाए वही फीचर लेखन लिख सकता है, वैसे दूसरा लिख नहीं सकता, क्योंकि वो समाचार का अंश है, वो समाचार का अंश है, कहानी का अंश है। परंतु इस पर मैं समय इसलिए नहीं लगाना चाहूंगा, कारण है कि आपके पाठ्यक्रम में से फीचर लेखन हटा दिया गया है। अब मेरा आज का विषय है पाठ्यक्रम पर बोलना। इससे पहले अभी तक फीचर लेखन कोर्स में था, समाचार लेखन कोर्स में था, आज समाचार लेखन पर प्रश्न नहीं आए। ध्यान कीजिए इस पर, कोई सावधानी से समझना आप। फीचर लेखन पर प्रश्न तो पूछे जाएंगे कि फीचर लेखन क्या होता है ये बताइए, फीचर और कहानी में क्या फर्क होता है बताइए, फीचर और समाचार में क्या फर्क होता है, ये तो पूछा जाएगा आपसे। लेकिन इस पर फीचर लिखिए ये नहीं आएगा। जो रचनात्मक है, वास्तव में हम बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं कि वो पत्रकारिता के कुछ आयाम सीखे, एक समाचार लिख कर दिखाओ भाई, ताकि उनमें समाचार संवाददाता बनने की कुछ प्रेरणा जगे, वो हमने वो रचनात्मक लेखन इस बार पाठ्यक्रम से हटा दिया गया, प्रैक्टिकल हटा दिया गया है। और सच कहता हूं मुझे सोचकर अच्छा नहीं लगा कि जो हम सिखाना चाहते हैं वही नहीं है, उसके बारे में थ्योरेटिकल प्रश्न है। ध्यान कर लेना, केवल थ्योरेटिकल प्रश्न है, मैं उस पर भी आता हूं। पहले मैं 11वीं की ये बात कर लूं, अप्रत्याशित लेखन की तो बात हो गई। 11वीं में 5 अंक जब अप्रत्याशित लेखन के हो गए तो 5 अंकों का औपचारिक पत्र लेखन है। इस पर कुछ कहना नहीं है, जिंदगी भर से आप ये पत्र लेखन करते आए हैं, इस कारण से इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 5 अंकों का 100 शब्दों में औपचारिक पत्र लेखन पाठ्यक्रम में है। इसके पश्चात 4 अंकों का 2-2 अंकों के 2 वो दे रखे हैं, एक है डायरी लेखन या कथा पट कथा लेखन। अगर ये आ जाता कि आज बारिश के दिन में आप डायरी पर अपने अनुभव लिखिए, फिर तो हो जाता डायरी लेखन 2 अंकों का। लेकिन अब डायरी लेखन नहीं आएगा, बल्कि ये पूछा जाएगा डायरी लेखन किसको कहते हैं, डायरी लेखन और किसी विधा में क्या फर्क है, ये पूछा जाएगा। तो ध्यान करें, इस बार का जो अभी आप सपोर्टिंग वो देखेंगे मॉडल टेस्ट पेपर, तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है डायरी लेखन / कथा पट कथा लेखन। कथा पट कथा लेखन का अर्थ है कोई कहानी है जो छपी हुई है, इससे अगर फिल्म बनानी है आपको, उसको पट कथा में परिवर्तन करना है कथा को, तो कहानी को फिल्म बनाने के लिए कुछ अल्टरेशन तो करना पड़ेगा ना, उसके लेखन में कुछ अंतर करना पड़ेगा। तो कहानी से पट कथा लिखनी हो तो उसमें क्या चीज चाहिए, स्क्रिप्ट राइटिंग। आप ठीक कह रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग, कहानी की स्क्रिप्ट से आप पट कथा की स्क्रिप्ट लिखें, ये आपको समझाना पड़ेगा। आपने अप्रत्याशित प्रश्नों पर एक प्रश्न पूछा, मैं दूसरे टॉपिक पर आ गया हूं, मैं उस पर आता हूं, पहले जरा मैं इसको पूरा कर लेता हूं। कथा से पट कथा लेखन के बीच में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, थ्योरेटिकल सवाल पूछे जाएंगे, बताइए कि कहानी से पटकथा लिखते समय में किन किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि ये देखिए एक कहानी का हिस्सा दे रहे हैं आपको, 4 लाइनें दे रहे हैं ये कहानी, इसकी पटकथा लेखन में परिवर्तन कीजिए, परिवर्तन करना ये नहीं आएगा, बल्कि उस पर प्रश्न आएंगे। इसका अर्थ है कि आपको थ्योरेटिकल
पूरी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए। कहानी ये होती है, पटकथा लेखन ये होता है, इसका अंतर समझना। समय बचा तो मैं इस पर आऊंगा, पहले तो मुझे समझाने में अभी समय लग रहा है कि आपके पाठ्यक्रम में आखिरकार है क्या। और इसके केवल दो अंक हैं, केवल दो अंक हैं। बताइए दो अंक के लिए इतना बड़ा पढ़ना। और एक है स्ववृत्त लेखन और रोजगार आवेदन पत्र। औपचारिक पत्र लेखन में भी पत्र लेखन आता, वो रोजगार का पत्र लेखन आएगा, लेकिन स्ववृत्त और रोजगार आवेदन पत्र ये अलग चीज है। वास्तव में जिसको बायोडाटा और आजकल रिज्यूम कहते हैं, उसके लिए शब्द है स्ववृत्त लेखन। स्ववृत्त अपने बारे में परिचय देना, यह पाठ्यक्रम में केवल दो अंक का है। और हैरानी की बात है, ये भी आपको नहीं आएगा कि आप ये हिंदी के अध्यापक पद के लिए नीलिमा एक अप्लाई कर रही है, आप उसका स्ववृत्त लिखिए, नहीं आएगा। नहीं, आपसे थ्योरेटिकल सवाल पूछे जाएंगे, स्ववृत्त में क्या आता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक ये केवल दो अंकों का, अब दो अंक में क्या तो पूछा जाएगा, क्या जाना जाएगा, ये मेरे सामने भी यूं लगता है। हम अत्यधिक पाठ्यक्रम रखकर अंक बहुत कम है, आकलन की इसमें अवसर बड़े कम रह गए हैं, ये हमारे लिए एक चुनौती की बात है। हमें विद्यार्थियों को इस बात के लिए तैयार रखना ही पड़ेगा। एक प्रश्न अभी आया था, मैं उस पर जरा सा लौट आता हूँ। प्रश्न ये था कि अप्रत्याशित लेखन बच्चों को कैसे समझाएं। एक से नहीं, आपने प्रश्न पूछा दो या तीन अंक का, ये दो अंक का था, ये जो कथा पढ़ कथा लेखन भी दो अंक का था, स्ववृत्त रोजगार आवेदन भी दो अंक का था। अब मैं आ रहा हूं अप्रत्याशित लेखन बच्चों को कैसे समझाएं। जैसे मैंने आपके सामने रखा है कि ऐसे विषय पर आपको कुछ अपने विचार या भाव लिखने हैं, विषय बिल्कुल नया होगा, इस नए विषय पर लिखना है, तो बच्चे को ये समझाना कि वो क्या लिखे और कैसे लिखे। ये प्रश्न तो आपके सामने भी होता है, यदि आपको बोलने के लिए खड़ा कर दिया जाए, अचानक खड़े हो जाओ और इस विषय पर बोलो, एक बार तो हमारा दिमाग गुमसुम हो जाता है, बोलें क्या। आप एक लंबी सी सांस लेते हैं, सोचते हैं, क्योंकि सोचने का तो वक्त चाहिए ना। आपको बच्चों को इस बात के लिए तैयार करना है कि अगर कोई नया विषय आ जाए तो उस विषय पर 120 शब्द लिखने हैं, अपने दिमाग में उस विषय के बारे में जो कुछ भी उसके मन में विचार आ रहा है, जो कुछ भी विचार है, अगर तो दिमाग सुनना नहीं हो गया तो, अगर दिमाग सुनना नहीं हो, अगर सुनना भी हो जाए तो शांत होकर ये पूछे, ये विषय क्या है, ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, इस तरह के चार सवाल उस विषय के साथ लगाए और एक प्लॉट बना ले कि मुझे इस बारे में ये देना है। जैसे माना ये आ जाए, कल से 500 रुपए का नोट बंद, मान लीजिए ये आ जाए, अब एकदम नया विषय 500 रुपए का नोट बंद, या कल से दूध के, गाय के दूध के पीने पर, या दूध के पीने पर सरकार द्वारा लगाया बैन, एक नया विषय, मैं अभी बना रहा हूं विषय, मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आ गया ये विषय, तो क्या होगा। अब आप देखिए, सोचने वाला सोचना शुरू करेगा, अरे दूध पर बैन लग गया तो सुबह सुबह चाय भी नहीं मिल सकती, दूध भी नहीं मिल सकता, तो घर में बनेगा क्या बनेगा। अब उसकी फिर कल्पना करना शुरू करेगा, ये नहीं होगा, मैं तो ये खा लूंगा, मैं तो चॉकलेट खा, चॉकलेट भी तभी बनेगी, उसमें भी दूध होता है। आप कल्पना से कल्पना बच्चों को बताना पड़ेगा, आपके मन में जो 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 बात आ रही है ना, जो दुविधा आ रही है, क्योंकि रचनात्मक लेखन में ये भी जरूरी नहीं है कि आप कोई समाधान दें, आपको किसी ने लिखा समाधान लिखिए, आप तो बस उस विषय को लेकर आपकी अभिव्यक्ति देखना चाहते हैं कि आपका मुंह खुला कि नहीं खुला, आपकी लेखनी चलना शुरू हुई कि नहीं हुई। अगर तो मैं लक्ष्यबद्ध होकर किसी निष्कर्ष पर पहुंच गए तो पहुंच गए, अगर आपकी छटपटाहट भी प्रकट हो गई लेकिन आपने ठीक से शब्दों द्वारा अपनी बात व्यक्त कर दी, हम सोचेंगे कि हाँ इसे सोचना और लिखना आता है। अगर सोचना और लिखना आता है तो कल को निष्कर्ष पर तो जिंदगी पड़ी है, पहुंचता रहेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि बच्चा 12वीं से बीए एमए पढ़ जाता है, उसको लिखना ही नहीं आता, एक पेज भी लिखना तो भारी पड़ जाता, चार लोगों से पूछता फिरता, देखना मैंने ये लिखा, जरा देखना ठीक लिखा है क्या। वह आत्मविश्वास जगाने के लिए है, इसलिए बच्चों को हमें कक्षा के अंदर तत्काल कभी कभी कोई शब्द देकर या कोई विषय देकर लिखने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा कि आप लिखिए, कुछ भी लिखना जरूर है। बार बार के इस अभ्यास से जो उनका मुख बंद है, जो उनकी अभिव्यक्ति रुद्ध है,
हो सकता कहीं से अभिव्यक्ति बाहर निकल आए और उनकी कलम चलना शुरू हो जाए। जैसे वो कालिदास अज्ञानी था, जब उसको कहा अरे तू तो मूर्ख है, और तब उसको लगा मैं भी विद्वान बन के रहूंगा। एक दिन वो भी विद्वान हो गया, उसकी अभिव्यक्ति के कपाट खुल गए। दरअसल चाहता तो पाठ्यक्रम समिति ये चाहती है कि बच्चों की अभिव्यक्ति खुले और वो कुछ कहना सीख जाएं, इसलिए अनएक्सपेक्टेड कोई शब्द दिया जाए विषय। ये थोड़ी मेहनत का काम है, पहले हमें भी लिखना आना चाहिए आत्मविश्वास से, क्योंकि जब से गाइडों का प्रचलन हो गया है, हेल्प बुक्स का प्रचलन हो गया है, अध्यापकों का स्वयं का अभ्यास छूटता जा रहा है। जब कभी अध्यापक खुद अपने नोट्स बनाते थे या जो बनाते हैं उनको दिक्कत बिल्कुल नहीं होती है, ध्यान करने। मैं जिंदगी में किताबें इसलिए लिख सका क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी की गाइड पढ़ी नहीं, इसलिए मैं खूब लिख सका और खूब लिख लेता हूं, क्योंकि मुझे खुद लिखना आ गया। जिसको खुद चलना आ गया, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा आप लोग भी लिखें, लिखते लिखते अच्छे लेखक बने। और यदि आप अच्छे लेखक हैं तो आपको देखते देखते बच्चे भी, उनका भी आत्मविश्वास बढ़ता है। यही एक तरीका है अप्रतिष्ठित लेखन का। चलिए एक तीन अंकों का एक और भी, सॉरी केवल एक अंक का है, वह है शब्दकोश और संदर्भ ग्रंथ। शब्दकोश और संदर्भ ग्रंथ पे 11वीं में एक नंबर का यह भी आपके पाठ्यक्रम में है, जरा इसे भी आप ध्यान कर लें। एक सेकंड जरा इसे दोबारा से, मैं कहीं गलत तो नहीं कह गया? एक बार इस रचनात्मक लेखन अप्रत्याशित लेखन के 5 अंक थे, जरा दोबारा से अप्रत्याशित लेखन पर चलिए। हाँ औपचारिक पत्र, ठीक है औपचारिक पत्र हो गया 5 अंक। आगे 4 अंक का था डायरी लेखन, कथा पठ कथा लेखन, इस पर 4 अंक का था, यस। और ये जो स्ववृत्त रोजगार संबंधी आवेदन और शब्दकोश संदर्भ, सारे मिलाकर 3 अंक हैं, ध्यान कीजिए। एक प्रश्न आएगा 2 अंक का और एक आएगा 1 अंक का, क्षमा कीजिए मेरे से ये गलती हुई कि ये जो अंकों के विभाजन में आप इसे ठीक कर रहे हैं। ये 11वीं का अंक विभाजन है। अब मैं आता हूं 12वीं पर। 12वीं में जो 16 नंबर का रचनात्मक लेखन था, उसमें 6 नंबर का तो अप्रत्याशित लेखन है, इस पर बात मैं कर चुका, मैं अब आगे बात नहीं कर रहा हूं। 4 नंबर है किसके, कहानी का नाट्य रूपांतरण, रेडियो नाटक या अप्रत्याशित लेखन। इन पर आपको लिखने के लिए नहीं कहा जाएगा कि रेडियो नाटक लिखिए, ये नहीं कहा जाएगा आपको। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कहानी का अगर नाट्य रूपांतरण करना हो तो क्या करना होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कथा का पट कथा लिखना, ये बिल्कुल ऐसा है कहानी का नाट्य में रूपांतरण करना। आपको पता कि कहानी में कई बार वर्णन ही वर्णन होते हैं, वर्णन की बजाय आप उस संवादों के द्वारा, नाटक का तो मतलब ही है संवाद, क्योंकि नाटक में वर्णन तो हो नहीं सकते, नाटक में तो संवादों के द्वारा ही कथा आगे चलती है। तो जब हम कहानी का नाट्य रूपांतरण कहते हैं, ये नया विषय है, इस पर देखता हूं समय बचता हूं तो बात करता हूं। और एक रेडियो नाटक, रेडियो नाटक की कल्पना पहले तो आप कर सकते थे जब रेडियो होते थे, आज दुर्भाग्य से रेडियो रहे नहीं, हालांकि वो दूसरे FM चैनल तो हैं, उस पर थोड़े थोड़े प्रयास हो रहे हैं, लेकिन रेडियो नाटक लिखते समय किस चीज की जरूरत रहती है, इसमें आपको इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। जब आप रेडियो नाटक की कल्पना करेंगे और उसकी क्लैरिटी आपको होगी, तब आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। वो प्रश्नों का प्रश्न कैसे आएंगे बताइए, रेडियो नाटक आवाज के बगैर नहीं चल सकता, या रेडियो नाटक की मूल शक्ति का केंद्र कहाँ है। अब इसका सीधा सा उत्तर है आवाज में, और वो आवाज के बारे में आपको वो ये देखना चाहते हैं आप रेडियो नाटक में और दूसरे नाटक का अंतर समझते हैं कि नहीं समझते। दूसरा नाटक है उसमें गति होती है, पुलिस पीछे भाग रही है, एक्शन हो रहा है, लेकिन रेडियो नाटक में तो ये नहीं है, रेडियो नाटक में तो जो भी आवाजें आ रही है। तो इस सारे अंतर को समझना, ध्यान कीजिए ये थोड़ा कठिन सवाल इसलिए है क्योंकि जब तक हम अध्यापक खुद रचनात्मक नहीं हो जाते, जब तक कि हमें स्वयं कहानी लिखना, कहानी का खुद नाटक में परिवर्तन करना, या नाटक को रेडियो नाटक के रूप में परिवर्तित करना, या अप्रत्याशित लेखन करना, इसमें हम उसको लिखने की स्थिति में नहीं आते,
तब तक हमें उन प्रश्नों के उत्तर भी फिर हम यू ही रटे रटाए कुछ भी लिखाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अध्यापकों को इन चारों जो नई विधाएं हैं इनके बारे में स्वयं थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहिए, उसमें से थोड़ा आप गुजर जाएं तो मैं समझता हूं कि आसान होगा, वरना तो आप कहते रहे सुनते रहे नींद आने लगती है और कहते हैं हाँ जी सतवचन महाराज आप बोले तो बहुत अच्छा, पर सच कहें घर में जाके मुट्ठी खोलते हैं तो कुछ भी हाथ में नहीं दिखाई देता। तो इसमें से आपको प्रैक्टिकली खुद निकलना पड़ेगा। CBSE चाहती भी है कि हमारा अध्यापक खुद रचनात्मक हो और इन रचनात्मक विधाओं का जानकार हो, वही वो चाह भी रहा है। और इसमें 6 नंबर के 2 सवाल आएंगे, पत्रकारिता तथा जन संचार माध्यमों के लिए लेखन, इसमें कुछ चैप्टर्स दे रखे हैं, वो चैप्टर्स एक बार जरा इसको सामने लाइए, कौन कौन से चैप्टर हैं। पत्रकारिता और जन संचार माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न होंगे 60 शब्दों के, लेकिन इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो चैप्टर है 3रा 4था 5वां 12वां और 13वां। आप कहें तो मैं ये पढ़ देता हूं। 3रा 4था 5वां ये है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। और इसके बाद 12वां और 13वां में ये आता है नए और अप्रतिष्ठित लेखन और कैसे बनता रेडियो नाटक। ये टॉपिक्स हैं 12वीं में रखे गए हैं, यह आपका पाठ्यक्रम है। मैं समझता हूँ पाठ्यक्रम के संबंध में जो भी परिवर्तन इत्यादि आए हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। परीक्षा योजना में जो एक परिवर्तन किया गया उस पर मैं 5-7 मिनट बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो नई चुनौती आपके सामने, उस नई चुनौती पर बोलना आपके लिए सार्थक रहेगा, क्योंकि आप दुविधा में रहने वाले हैं। आपकी दुविधा किस में ज्यादा रहने वाली, प्रश्न वो रहने वाले हैं कथा से पटकथा लेखन में, और एक रहने वाली है कहानी के नाट्य रूपांतरण में, एक रेडियो नाटक में, थोड़ा सा अप्रत्याशित लेखन में, और थोड़ी सी जो ज्यादा आवश्यक है व्याकरण नहीं है। नहीं, व्याकरण इस कोर्स में नहीं है, ध्यान करना, 11वीं 12वीं कोई व्याकरण नहीं, यही है जो मैंने बताया, यही पाठ्यक्रम है। ये एक तरह से विधाओं का व्याकरण है, विधाओं का व्याकरण, कहानी से पट कथा लेखन, ये इसको व्याकरण कह लें या शैली कह लें, ये सब है। एक चीज आने वाली है कि जो 2 तरह के प्रश्न आपके पास नए आए हैं, मैंने कई अध्यापकों से बातचीत हुई, वो कहते हैं जी ये जो तर्क विश्लेषण वाले सवाल जो आते हैं ये हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग है। और सच कहूं जो आपके पाठ्यक्रम में जो आपके सैंपल पेपर आया है, यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आप भी किसी एक उत्तर को पूरे विश्वास के साथ टिक नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में से क्या किया जाए, और वह भी प्रश्न 2 तरह के हैं, उस पर मैं आपका ध्यान कुछ आकर्षित करना चाहूंगा। पहली बात, ऐसे प्रश्न को आपको भी बनाना पड़ेगा ना, तो आप कैसे बनाएं? एक बार आप ऐसा करें, जरा सैंपल पेपर निकालिए, सैंपल पेपर में आपके सामने आ रहा है सैंपल पेपर, मैं उस प्रश्न को सामने लेकर आता हूं। ये पहला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में जो प्रश्न आए हुए, जरा प्रश्नों पर चले आगे जी, आपको सैंपल पेपर ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। आप नीना जी ने कहा कि सैंपल पेपर ग्रुप पर आ जाएगा, जरा और आगे प्रश्न, हाँ अब ये प्रश्न जरा इस पर रुकिए, थोड़ा रुकिए रुकिए, अब देखिए प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहली बात, इस प्रश्न का उत्तर तभी दिया जाएगा जबकि आपने पैराग्राफ पढ़ लिया हो, अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। इसलिए मैं आपके सामने जनरल बोलूंगा, घर में जाकर आप इसको पढ़कर जो समस्याएं आएंगी फिर इन समस्याओं को आप पब्लिकेशन के पास भेजना, अगर आवश्यक लगा फिर दोबारा से बैठना हुआ तो मैं फिर इसका उत्तर साक्षात देने के लिए फिर उपस्थित हूंगा। क्योंकि इतने थोड़े से समय में आप पढ़ भी लें, प्रश्न की दुविधा भी समझ में आए और लिख भी लें, ये कठिन है, लेकिन अभी तो आप समझिए प्रश्न बना कैसे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला है मानवीय दक्षता को महत्व देना, वो बता रहे हैं कि इस पैराग्राफ में का उद्देश्य क्या है, मनुष्य और मानवीयता से प्रेम करना। 3रा है अपनी चाल को बदल लेना चाहिए, और अगर मानव जीवन को आदर्श मानना चाहिए। ये 4 निष्कर्ष निकलते हैं, फिर नीचे पूछा गया बताइए क्या केवल पहला कथन सही है या केवल दूसरा
कथन सही है या दूसरा और तीसरा सही है या पहला और चौथा सही है। देखिए अब कितना उलझा हुआ सवाल है। पहले आप पैराग्राफ पढ़िए, पैराग्राफ में से चार स्टेटमेंट दे रखी हैं, इन चार स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, एक ठीक है या दो ठीक है? दो ठीक है तो कौन सी ठीक है? आपके दिमाग को पूरी तरह निचोड़ लिया, इसको कहते तर्क और विश्लेषण से आप बताइए, ये एक ठीक है तो पहला ही ठीक क्यों है, बाकी गलत क्यों है? ये आपके दिमाग में होना चाहिए। जब तक आपके दिमाग में ये नहीं होगा कि बाकी तीन गलत है, पहला ठीक है, आप इसका उत्तर दे ही नहीं सकते। इस तरह के सवाल पहली बात आएंगे, आपको समझने में स्वयं भी थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, और यदि आपको इस तरह का प्रश्न स्वयं बनाना पड़ा तो कहते प्रश्न पूछना उत्तर देने से भी कठिन है। आपको इस तरह के प्रश्न बनाने पड़ेंगे तो बनाएंगे कैसे? जी संदर्भ के गद्य, बिल्कुल ठीक है, सटीक उत्तर गद्यांश के संदर्भ से होना चाहिए। जो चीज आप मानते हैं, आपके विचार नहीं पूछ रहा लेखक, सॉरी परीक्षक, परीक्षक जो भी पूछ रहा है वह पूछ रहा है पैराग्राफ। पहले पूरा पैराग्राफ एक बार दो बार पढ़ लें, आप एक बार पढ़ें फिर प्रश्न पढ़ें, फिर एक बार उन प्रश्नों को पढ़कर फिर पैराग्राफ को पढ़ें। ध्यान करें इसका तरीका भी क्या है, क्योंकि एक बार में सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, कंफ्यूजन होता है। वे भी तो जानबूझकर आपको इस तरह के पैराग्राफ देंगे कि जिसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो, उसमें से देखा जाएगा कि आप एग्जैक्ट ठीक जगह पहुंच जाते हो कि नहीं पहुंच पाते हो। वो यही परीक्षा करना चाह रहे हैं। तो इस परीक्षण के लिए यदि आपको प्रश्न, अच्छा ये तो एक तरह का सवाल है, इस तरह के सवाल फिर भी मैं कहूंगा थोड़े से कम है, लेकिन ज्यादा सवाल किस तरह के आते हैं जरा छोड़ो, प्रश्नों को आगे चलाइए। तो इसमें भी यही है कि दोनों का उपयोग करने से पहले, हाँ ढोल और वो वाला सवाल है, इसमें भी बड़ी आप ध्यान कर लेना, अभी तक तो मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक पैराग्राफ को पढ़कर आपसे कहा जाएगा ये चार विकल्प हैं कि अखाड़े का और मिट्टी का उपयोग, दोनों का उपयोग करने से पहले तैयार करना होता है, दोनों में श्रम की जरूरत होती है। आपको चारों लगेगा कुछ कुछ ठीक कह रहे हैं, लेकिन ज्यादा एग्जैक्ट कौन सा है अब दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा ठीक कौन सा है फिर देखना पड़ेगा, जिसे आप ठीक मानते हो वो उत्तर में भी है कि नहीं है। तो ध्यान करना, फिर आप एक एक उत्तर को मिलाकर देखेंगे कथनों से, तब जाकर पहुंचेंगे। इसका अर्थ है कि इसमें पूरा आपके दिमाग की सोच समझ इसमें चाहिए होगी। अभी भी मैं जहां आपको लाना चाहता हूं, ये संयोग की बात है, दोनों के दोनों प्रश्न इस तरह के आ गए जिसमें कि चार चार कथनों में से चार चार विकल्प दे रखे हैं। अक्सर प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें ए माने कथन, पहले वाक्य में कथन होता है, दूसरे में निष्कर्ष होता है, और फिर पूछा जाता है बताइए कि अब चार विकल्प दे रखे हैं, ए कथन, जो कथन है कथन सही है परंतु उत्तर गलत है, नंबर दो कथन सही है और उत्तर भी सही है, नंबर तीन कथन भी गलत है और उत्तर भी गलत है, तीन चौथा कथन तो गलत है पर उत्तर सही है। ये चार तरह के, मेरा दिमाग तो अभ्यस्त हो गया है क्योंकि मैंने कम से कम और नहीं तो 12 पुस्तकों के लिए, हर एक पुस्तक के लिए 100-100 प्रश्न लिखे, 1200 प्रश्न मेरे तो दिमाग में से निकल चुके, इसलिए मुझे तो हो गया यूं कहें वर्बली भी अभ्यास हो गया। लेकिन आप लोगों को जितने अभ्यास में से, हालांकि मुझे ना 11वीं कक्षा पढ़ानी है ना 12वीं, परंतु मुझे तो क्योंकि पुस्तक के लिए लिखना था, मैं तो इसमें से निकल गया, लेकिन इतना निकलना आपके लिए जरूरी है क्योंकि ये जो तैराकी की प्रतियोगिता है तो आपके लिए, उस्ताद जी तैर के क्या करेंगे, तैरना तो आपको है। इस कारण से आप इस तरह के प्रश्नों की शैली को विकसित करें, उसका प्रश्न बनाते समय बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक प्रश्न मुझे ऐसा चाहिए, निम्नलिखित, ये ऐसे प्रश्न ज्यादा आएंगे, आप ध्यान करें जरा, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, कथन है, यथार्थ को स्वीकार नहीं करने से कवि के स्वप्न अधूरे रह गए हैं। यथार्थ को स्वीकार नहीं करने से कवि के स्वप्न अधूरे रह गए, और उसका रीजन, कल्पना और वास्तविकता में सामंजस्य की कमी होने से कवि को संसार अधूरा महसूस होता है। ये दो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है दूसरा कारण है। अब देखिए, अब उत्तर देखिए, एक कथन एक, पहला विकल्प कथन ए सही है और कारण गलत है, दूसरा कथन ए सही नहीं है पर कारण आर सही है, नंबर तीन कथन ए तथा कारण दोनों सही हैं किंतु कारण जो है वो
उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा। चौथा, कथन ए सही है तथा कारण आर, ये भी दोनों सही हैं, कारण आर ए की सही व्याख्या करता है। अब ये चार चीजें हैं, इस तरह के प्रश्न बहुत आने वाले, आपको इस तरह से प्रश्न बनाने के लिए सिद्ध होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। इसके लिए कोई वर्कशॉप भी आपको करनी पड़े तो आप एक बार इसमें से निकल जाइए, तो मैं समझता हूँ आगे की कक्षाएं बहुत अच्छी चलेंगी। इस तरह के प्रश्न बनाने की विधि यही है, क्योंकि आप कथन तो बना लेंगे लेकिन जब उसका कारण देंगे और उसके बाद चार विकल्प आप करने का, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे मैं क्या क्या रहा हूं। और सही बताऊं आपको, पढ़ने के बाद घंटे बाद आप खुद पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा यार ये तो ठीक उत्तर निकला ही नहीं, ऐसी स्थिति आएगी। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे तो मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि मुझे किताब के लिए लिखना था और किताब के अक्षर कभी मिटते नहीं है, इसलिए ध्यान भी बहुत रखना था। आपको भी इसी तरह से सिद्ध होना, इसमें इस पर थोड़ा ध्यान कीजिए आप। एक और भी प्रश्न, क्योंकि समय होने वाला है और मेरी आदत है मैं ठीक समय पर समाप्त करता हूं, बस रुको रुको ही आ गया कॉलम। एक इस तरह के सवाल आए हैं कि कॉलम एक को कॉलम दो से सुमेलित कीजिए, इनको मिलाइए आपस में और सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखिए इस प्रश्न को बनाना भी टेढ़ी खीर है, लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि अब मेरे लिए बनाना बहुत आसान हो गया। आंख बंद करके भी मैं तीन तो उत्तर लिख लेता हूं, चौथा उत्तर लिखते वहां खोलता हूं मैं। देखिए, आग्रह का तिरस्कार जगाना और मौन रहकर कार्य करना, बड़े बाजार का जादू अपनी तृष्णा को रोकना, बाजार के जादू से बचने का उपाय इच्छा पूर्ण ना होना। अब ये तीनों से, ये इन इन जो पहले कॉलम जो एक में तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं, इनका संबंध किसी न किसी 1, 2, 3 में से है। इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा? पहला ऑप्शन फर्स्ट के साथ ऑप्शन टू, फिर दो के साथ ऑप्शन वन, तीन के साथ ऑप्शन। तो ये चार तरह के उत्तर दे रखे हैं कि बताइए पहले का संबंध दो से है, तीन से है कि एक से है। आपको पहले तो ये तय करना पड़ेगा, पहले का संबंध आग्रह का तिरस्कार जगाता, ये किससे संबंधित है इन तीनों में से? ये सारा विश्लेषणात्मक है, आपका दिमाग चल रहा होता है इससे, इससे या इससे। आप जब ये तय कर लेंगे, अगर इस सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि यदि आपको ये पता चल जाए कि जैसे बड़े बाजार का जादू, बड़े बाजार का जादू इस ये किससे जुड़ेगा? इन तीनों में से देखिए, इन तीनों में बड़े बाजार का जादू है अपनी तृष्णा को रोकना, नो, इच्छा पूर्ण ना होना, नो, मौन रहकर, किससे जुड़ेगा? अगर आपको एक भी समझ में आ गया ना, जैसे बाजार के जादू से बचने का उपाय क्या है? अपनी तृष्णा को रोकना, ये बात एकदम क्लियर हो गई। बाजार के जादू से बचने का उपाय ये है, अपनी तृष्णा को रोकिए। आगे ना समझ में आपके बात, इसका अब सीधा सा मतलब है तीन का उत्तर तो दो है। अब तीन का उत्तर दो किस किस में, जरा देखें तो तीन का उत्तर दो बी में है। देखो आप बी में, यही ठीक पाएगा नहीं, लेकिन तीन का उत्तर दो इसमें भी है, फर्स्ट ए वाले ऑप्शन में भी। तीन का उत्तर दो किस किस में है? आपको बात क्लियर होगी, तीन का उत्तर दो से संबंधित है, जिसमें सही उत्तर हो बस केवल उन्हीं की ओर ध्यान दो, बाकियों को छोड़ दो, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ये कुछ तरीके हैं जो मेरे अनुभव में से आए हैं, आप मेरे सामने नहीं हो और बिना आपको आंखों से देखे कि कौन मेरी बात कितनी सुन रहा है, ये बोलना बिल्कुल हवा में लाठी चलाकर वो चलाते रहना है, पता नहीं कहीं लग भी रही है कि नहीं लग रही है। एक घंटा होने को आ गया है, मैंने जो मुझे विषय दिया गया था जितना मेरे से हो सकता था मैंने कर दिया है। असल में बोलना तो कहीं ना कहीं आपको भी था, उसका तो समय ही नहीं रहा, फिर भी कुछ समय और ले लेते हैं। आप लोगों को कुछ कहना हो, बोलना हो, मैं यहाँ मौन होता हूँ, आप कुछ बोल या कह सकते हैं, मेरी वाणी या विराम लेती है। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा और ज्ञानवर्धक रहा, सभी सराहना भी कर रहे हैं, बार बार लोग लिख करके भेज रहे हैं अध्यापक गण। और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा
कि रोहताश जी अभी रुके, अभी मैं ये चाहता हूँ कि कोई पर्सन अगर कोई पूछना चाहता है तो वो अपना हाथ खड़ा करे और रोहताश जी उसको अनलॉक कर देंगे। और कोई पर्सन पूछना चाहता है तो व्याकरण कोर्स में नहीं है, एक है व्याकरण कोर्स में नहीं है जी। हाँ, व्याकरण कोर्स में नहीं है, सर ने पहले ही सब बता दिया था। अगली कार्यशाला कब होगी सुनने की इच्छा है, ये प्रश्न जो है मेरे से पूछने की बजाय जो संचालक हैं न्यू एज के वो तय करेंगे। सर जल्द ही कोशिश करेंगे, अगली कार्यशाला भी हम समय समय पर करते रहते हैं और जैसे ही कोई नई बात और नया कोई विषय लगेगा कि ये रखने लायक है और इच्छा रखेंगे हमारे जो श्रेष्ठ प्रबुद्ध जन जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम भी तो उन्हीं के वो है सर, जब वे हमसे इस तरह की कोई बात रखते हैं तो हम तो जो है एक जादू का चिराग हमारे पास है उसको ला करके घिस देते हैं और वो जादू का चिराग जो है शुरू हो जाता है। डॉक्टर अशोक बत्रा जी, तो हमारे पास तो ऐसा जादू का चिराग है सर, हम कभी भी आग्रह करते हैं और वो जो है जो उनके पास इंफॉर्मेशन है उसको जितनी अच्छी तरीके से वो दे सकते हैं वो हमको दे देते हैं, हम उनके सदैव कृपा पात्र बने रहेंगे। तो कोई सवाल अगर रखना चाहे तो रोहताश जी, अगर कोई अपना हाथ उठा रहा है कोई सवाल रख रहा है तो उसको अनलॉक करिए, पूछ ले, उसके बाद मैं अपनी दो बातें रखूंगा। सर कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए गोल्डन वालों की तरफ से सैंपल पेपर कब तक आएगा? मैम आपको जो गोल्डन सैंपल पेपर हम इसके पुस्तक आपको मिलेगी, उसी पर हमने एक स्कैन कोड दिया हुआ है, आप उसको स्कैन कर लेंगे अपने मोबाइल पर और वहां से आपको गोल्डन सैंपल पेपर प्राप्त हो जाएंगे। हम कुछ ही दिनों में गोल्डन सैंपल पेपर तैयार कर रहे हैं, उस पर अपलोड कर देंगे। हमारी QR कोड हमने पुस्तक पर दिया है और पुस्तक को के QR कोड को आप जैसे ही स्कैन करेंगे अपने मोबाइल फोन से, बच्चा करेगा, आप करेंगे, जो भी करेगा, उस पर हम कुछ विविध प्रकार की सामग्रियां एक्स्ट्रा बच्चों के लिए, टीचर के लिए कुछ प्रैक्टिस का मैटर उस पर डालेंगे, उससे आपको प्राप्त हो जाएगा और हम उसको जितनी जल्द हो सकेगा कोशिश करेंगे। सर अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक जो है केवल अमेज़न पर ही उपलब्ध है, तो क्या उसकी कोई व्यवस्था हो सकती है? बाजार में मिल रही है मैम अभिव्यक्ति और माध्यम जो है बाजार में नॉर्मली भी मिल रही है। और दूसरी बात यह है कि मैं तो ये कहूंगा अगर आप गोल्डन ले लेते हैं तो मुझे नहीं लगता फिर आपको पुस्तक भी खरीदने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी यदि आपको पुस्तक की जरूरत है तो बाजार में मिल रही है और सभी जगह मिल रही है। देखिए वैसे तो एक पुस्तक है लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आपकी ये जो पुस्तक है गोल्डन, इसमें जो नया पाठ्यक्रम के अनुसार जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उस तरह के सारे प्रश्न इसमें लेटेस्ट जो हैं वो दे दिए गए हैं और हमेशा नए लेटेस्ट प्रश्नों के अनुसार ही किसी सामग्री को पढ़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इन पुस्तकों में इस समय जो नवीनतम प्रश्न शैली के अनुसार चीजें दे दी गई हैं उसे पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छी क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं कि उत्तर देने के लिए क्लैरिटी बहुत चाहिए, तो मुझे भी काफी परिश्रम करना पड़ा है क्लैरिटी के लिए। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हर तरह के बहुविकल्पी भी और वैसे भी प्रश्न उत्तर इसमें गोल्डन में दिए गए हैं, आप इसका सहारा लेंगे आपको संतुष्टि मिलेगी ऐसा मुझे लगता है। और यही मैं सर अगला अपना विषय रख रहा हूँ, मैं पहले तो ये बताऊंगा कि इस पुस्तक में क्या है और कैसे, एक बार थोड़ा सा मैं 5 मिनट लूंगा आप सभी की। तो रोहताश जी एक बार ये मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा थोड़ा रोक के चलिए। इस पुस्तक में सबसे पहले आपका अपठित गद्यांश काव्यांश और अपठित गद्यांश पूरी तरीके से क्लियर है, वो सभी तरह के प्रश्न उसमें मैं आगे आऊंगा, नए अप्रत्याशित विषय, जनसंचार, सृजनात्मक लेखन वगैरह इसमें दिया गया है। विषय पढ़िए बढ़िए, इसके विषय पढ़िए लेटेस्ट, जरा अध्यापकों को पता चलना चाहिए इसके विषय, नए और अप्रत्याशित विषयों का रचनात्मक लेखन, जरा हाँ। कुछ विषय पढ़ें आप सर, उच्च शिक्षा हेतु छात्रों का विदेशों से पलायन, ये बिल्कुल नया विषय है जो पिछली बार परीक्षा में आया, जब मैं समुद्र की लहरों से गिर गया बिल्कुल नया विषय है, झरोखे से बाहर बिल्कुल ऐसा विषय एकदम अप्रत्याशित, ये सारे विषय इसमें दे रखे हैं, ये आपको उसका क्रम दे रखा है, घर बैठे दफ्तर का काम, ये क्या है वो शिव दिया और तूफान, बिल्कुल नए टॉपिक्स हैं, ये आपको पूरी पुस्तक लेटेस्ट मिलेगी,
क्योंकि मैंने अभी अभी लिखे तो मुझे ध्यान में, इसलिए मैं बीच में कह गया, वरना ये महेश जी आपका काम है बताना। नहीं नहीं सर, बहुत ही आपको तो पूरी जवानी याद है और मैं देख करके इसे बताऊंगा। थोड़ा आगे चलिए रोहतास जी, तो इसी तरीके से ये अप्रत्याशित विषय काफी सारे दिए गए हैं जिससे कि बच्चे सीख सकते हैं कि किस तरीके से लिखना है। कहानी नाट्य रूपांतरण, रेडियो नाटक की सृजन प्रक्रिया, जनसंचार की जितनी विधाएं कोर्स में है वो सारी दी गई है। सर आगे चलिए, और फिर यह आरोह को, आरोह के काव्य भाग को पूरी तरीके से समझाया गया है। आगे चलिए सर, और ये गद्य भाग को समझाया गया है, वितान दी गई है, और आगे चलिए सर। और फिर इसमें हमने श्रवण तथा वाचन और परियोजना कार्य जो कि 20 नंबर का एक इंटरनल असेसमेंट होता है बच्चों के लिए, वो भी हमने इसमें पूरी तरीके से दिया है ताकि उसके लिए भी इधर उधर किसी को ना भटकना पड़े। और सबसे अच्छी बात हमने इसमें CBSE के सैंपल पेपर जो 2023-24 के लिए CBSE ने दिया है उसको हल करके दिया है, अंक योजना हमने दी है, और CBSE बोर्ड का जो पेपर 2023 में आया था वो भी हमने दिया है, इसमें हल सही दिया है कि किस तरीके से उसके आंसर होने चाहिए थे और क्या पेपर आया था बच्चों को मिले। और एक और बड़ी बात यह है कि अभी 12th पास करने के बाद बच्चों को CUET का एग्जाम देना होता है मोस्टली बच्चों को, और वो CUET के एग्जाम के लिए बच्चों को अलग से तैयारी करनी पड़ती है। हमने उसका 22 और 23 का दोनों पेपर यहाँ पर दिए हैं, हल सहित दिए हैं। CUET में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरह का एग्जाम होता है, किस तरह के उनके प्रश्न आते हैं, CUET का भी आपको CUET की किताब खरीदने की भी जरूरत नहीं होगी। हिंदी विषय में जो भी बच्चे CUET एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ये परफेक्ट बुक होगी। आगे चलिए सर, मैं कुछ प्रश्न जो अभी बत्रा सर ने आपको समझाए हैं किस तरह के, चलिए सर आगे किस तरह के प्रश्न जो है आएंगे वो हमने अपनी पुस्तक में ऑलरेडी बहुत ज्यादा दिए हुए हैं, ताकि जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, समझेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, जो हाईलाइट मैंने कर दिए है कुछ इसमें सर ऊपर करिए, ये हाईलाइट उसी तरह के प्रश्न है जो अभी बात हो रही थी, 4 कथन है उन पर से प्रश्न पूछे गए, ये कॉलम संबंधी प्रश्न है। और चलिए सर, हर पैराग्राफ पर इस तरह के 2-2, 3-3, 4-4 प्रश्न आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो ये इतने प्रश्न चलते रहिए सर, जहां जहां हाईलाइट्स आते हैं वहां वहां ये सब पैराग्राफ पर जो कविताएं हैं उन पर ये सब हाईलाइट वाले जो प्रश्न है ये हमने हर पैराग्राफ में 2-2, 3-3 प्रश्न उसी तरह के दिए हैं ताकि बच्चों को किसी तरह का कंफ्यूजन रह रहे। इतना करते करते तो फिर वही है ना, रसरी आवत जात तहसील पर पड़त निशान, बार बार करते 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 इतना अभ्यास हो जाएगा बच्चों को कि किसी भी तरह का प्रश्न उनके एग्जाम में आ जाता है तो वे उनके अंदर इतनी शक्ति, इतनी सोचने की क्षमता और इतना वो हो जाएगा कि उसको आराम से कर लेंगे। तो ये अपठित काव्यांश थे, अभी गद्यांश पर ये गद्यांश शुरू हो गए, ये अपठित गद्यांश पर हमने उसी तरह के प्रश्न दिए हैं और ढेरों प्रश्न आपको मिलेंगे। काव्यांश चलते रहिए सर, ये दिखा दीजिए, और ये इसी तरह के प्रश्न हमने हर तरीके से हर उसमें दिए हैं, गद्यांश हो काव्यांश हो, ये अभी अपठित चल रहा है और कहीं मैंने उसको वो भी नहीं किया, बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी निकल रहे, मैं तो ऐसे बताने के उद्देश्य से बीच बीच में वो किए हैं मैंने कि देख लीजिए कितने प्रश्न हमने इसमें दिए। 15% कोई वो किया आपने बोल्ड 15 85% सर, हाँ मैंने सर वो मोटा मोटी एक दिखाया है कि देख लीजिए जो है इसमें एक हमने बहुतायत में इस तरह के प्रश्न दिए है जैसा सैंपल पेपर ने बताया, हर एक पैराग्राफ में 1 या 2 है। हाँ हर पैराग्राफ में 2 तो आराम से मिलते ही है। ये चला दीजिए सर इसको काफी आगे, और फिर उसके बाद हमारी आरोह पुस्तक आती है, ये गद्यांश है अपठित वाले है अनसीन पैसेज, इन पे भी हमने सब पे दिए गए हैं, चलते रहिए सर। और ये कॉलम वाले प्रश्न है, कारण संबंधी है, कथन वाले है, कथन कारण वाले है, इस तरह के हमने पूरी भरमार है बुक में। ये आरोह है, और ये आरोह में भी आप देखेंगे ये भी काव्यांश पोर्शन है, इस तरह के प्रश्न इसमें भी आपको हर पैराग्राफ में दिए गए हैं क्योंकि इसमें से भी पूछे जाएंगे, और ये भी हमने पूरी पुस्तक में हमने इस तरह के प्रश्नों की भरमार करी है ताकि बच्चों को, टीचरों को, किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। ज्यादा से ज्यादा इस तरह के प्रश्न बच्चे करेंगे तो आराम से मैं समझता हूँ समझ जाएंगे, करने लगेंगे,
और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो एग्जाम में किसी भी तरह के प्रश्नों को वे हल कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य यही था पुस्तक में दिखाने के लिए। आप आगे चले जाइए सर, लास्ट में चले जाइए, बिल्कुल लास्ट में चले जाइए। सैंपल पेपर्स और क्यूट के पेपर, सीयूईटी के पेपर मैं इसमें दिखा दूंगा कि वो भी हमने इसमें दिए हैं। चलिए सर आगे चलिए, काफी आगे चलिए। ये बस पीछे ये सीयूईटी का भी हमने 2022 परीक्षा प्रश्न दिया है, सोल्व करके दिया है पूरी तरीके से। क्यूट है, सैंपल पेपर है, पीछे सीबीएसई 2023 का भी पेपर है। रोहताजी पीछे एक बार थोड़ा पीछे हटाइए, सीबीएसई 2023 का जो पेपर आया था सीबीएसई ने जो दिया था वो भी हमने इसमें सोल्व करके दिया है, सैंपल पेपर भी दिया है। तो और सबसे बड़ी बात है हमने इसमें 10 साल के प्रश्नों को इसमें डाला है। सीबीएसई ने जो पेपर, ये सीबीएसई बोर्ड 2023 का पेपर है, आप देख रहे होंगे, ये भी सॉल्यूशन करके हमने इसमें दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने इसमें 2013 से लेकर के 2023 तक के अंदर भी हमने इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सब दिए हैं, ताकि बच्चों को ये पता चल सके कि सीबीएसई पहले किस तरह के प्रश्न पूछ रही थी और अब धीरे धीरे बदलते बदलते किस तरह के प्रश्नों को पूछना शुरू कर दिया। ये हमने सारे जो है पूरे पाठ्यक्रम में जहां जहां प्रश्न बन सकते थे वो हमने इसमें सभी दिए हैं। और सर ठीक है, अभी मैं मैम ने शायद एक प्रश्न पूछा था कि ये पुस्तक हमें कैसे उपलब्ध होगी। ये मैं फिर से बता देता हूँ कि ये पुस्तक जो है specimen@newagepublishers.com अभी आपके सामने आएगा स्क्रीन पर भी। आप वहां पर हमें स्पेसिमेन कॉपी के लिए एक रिक्वेस्ट डाल देंगे और ये आपके घर पर आएगी, बाय पोस्ट आएगी। किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपके घर पर ये वो डाली जाएगी। अब किसी का प्रश्न यदि कोई रहता है तो वो फिर से अपना कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, 2-4-5-7 मिनट है, और कोई प्रश्न अपना रखना चाहे तो रख के प्लीज। रोहता जी किसी का प्रश्न आता है तो उनको अनम्यूट करके उनका प्रश्न रखे। सर काफी प्रश्न भी दे रहे थे और बाकी फिर भी हमने ये रखा है कि अगर किसी को फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है तो वो जो है हमें लिख सकता है editorial@newagepublishers पर। और ये स्पेसिमेन कॉपी के लिए जो मैम ने पूछा था, रोहता जी क्या किसी का कोई प्रश्न है? अवधेश जी यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, आप प्रश्न पूछ सकते हैं अपना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर ये बड़े दुर्भाग्य से मैं मुझे कहना पड़ रहा है कि मुझे विगत कई वर्षों से आपकी कोई भी पुस्तक प्राप्त नहीं हो पाई है, किस वजह से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ओके सर, निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पीछे अगर आपको पुस्तक नहीं मिली तो ये हमारे लिए एक बड़ी दुखद बात है। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको पुस्तक मिलेगी और निश्चित रूप से मिलेगी जल्द ही। आप हमें specimen@newagepublishers.com आप उस पर लिख दीजिए जी, अगर हो सके तो सर जो व्हाट्सएप नंबर आपने भेजा है हो सके तो उस पर प्लीज वो एड्रेस दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, उस पे भी ये देखिए सामने भी आ गया है specimen@newagepublishers.com और हम उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं अपने संयोजक से बोलूंगा, निधि मैम जो इसको देख रही है, मैम प्लीज जो है इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ये स्पेसिमेन वाली जो हमारी मेल आईडी है उसको डाल दीजिए, ताकि कोई भी इस गोल्डन की पुस्तक से वंचित ना रहे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है सर। और यदि कोई शिकायत भी है तो आप एडिटोरियल पर, ये मेल आईडी है editorial@newagepublishers.com पर, हम बिल्कुल शिकायत सुनने के लिए तैयार है। हमारी शिकायत है तो कृपया हमें बताइए, जब तक आप नहीं बताएंगे हमें लगता है हम तो बिल्कुल ठीक है। और जब सामने आदमी की शिकायत आती है तभी उसको पता चलता है। और हमें चाहिए कि जो हमारी पुस्तकों में या हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव में या हमारे प्रबंधन में किसी तरह की कमी है तो वो हमारे सामने आए, और हमारे सामने आएगी तो हम उसको निश्चित रूप से हल करेंगे। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग गोल्डन को पसंद करते हैं, इतनी सराहते हैं, और आपका यही स्नेह हमें जो है स्फूर्ति देता है और ये सब कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। मित्रा जी की लेखनी तभी सफल होती है और हमारा कार्य तभी सफल होता है जब आप लोगों को ये पुस्तकें पसंद आती है।
वरना ना ही तो बत्रा जी और ना ही हम इस विषय पर कुछ आगे कर ही नहीं पाएंगे यदि इन पुस्तकों को आप लोग पसंद नहीं करेंगे तो। तो सर आप समाप्त किया जाए। जी 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 मेरी ओर से तो हो गया। अभी कई लोगों ने कहा कि अब किसी विषय पर और सुनना चाहते हैं, वो जब आप कोई इस तरह की डिमांड आएगी तो फिर बैठ जाएंगे। किसी ने भी कोई बातचीत करनी हो मेरे से अपना निजी रूप से भी कोई चाहे तो बात कर सकता है। जी 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 तो प्यारे शिक्षकों आपसे जुदा होने का समय आ गया है और आपसे हमें अच्छा लगता है बात करना, आपके साथ जुड़ना, और लेकिन समय की अपनी सीमाएं होती है। और मैं सभी जितने भी अध्यापकगण और हिंदी भाषा को बढ़ाने और पढ़ाने वाले जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े उनका सभी का तहे दिल से हाथ जोड़ करके शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद हमारे जो पैनल में लोग थे उनका धन्यवाद करता हूँ, और अंत में और उसके बाद बत्रा जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा और इंफॉर्मेटिव जो वेबिनार किया और बार बार वो अपनी इंफॉर्मेशन हम तक पहुँचाते हैं और हमें जो है अपने ज्ञान से हमारा जो है मार्गदर्शन करते हैं। और उसके बाद मैं अपने प्रबंधक श्री सौम्य गुप्ता जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो लगभग समय समय पर और काफी विषयों को लेकर के जो है वेबिनार करते हैं और जागरूक खुद भी रहते हैं और सब लोगों को जागरूक रखते हैं ताकि वे अपने छात्रों को भी जो है वे एक नई जो भी योजना आती है, जो भी पाठ्यक्रम आता है, जो भी नए प्रश्न आते हैं वो अध्यापक अपने छात्रों तक पहुंचा सके। तो सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो इस तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए समय समय पर वेबिनार करके हमारे अध्यापकों को, हमारे बच्चों को, हमारे समाज को एक सब एक कनेक्टिविटी भी बनाते हैं, जोड़ते हैं, सबको एक साथ जोड़ते हैं और एक नई जानकारी हमेशा प्रदान करने के लिए बीच बीच में ऐसे वेबिनार कराते हैं। सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वे इस प्रोग्राम को चलाते रहे और हमारे समाज को, बच्चों को, हमारे श्रेष्ठ अध्यापकों को ये सब जानकारियां और पुस्तकें उन तक मिलती रहे, इसलिए मैं सर का बड़े धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी को बताना चाहूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने एक बनाया हुआ है कृपया उसको ना छोड़े। हम उस पर समय समय पर अगला वेबिनार कब होगा, सैंपल पेपर कब डालेंगे, कोई एनसीईआरटी से कोई जानकारी आती है, सीबीएसई से कोई किसी तरह की जानकारी आती है तो वो हम सब आपको देते रहेंगे उस पर, और उस तरह की वेबिनार वगैरह की जरूरत पड़ी तो वेबिनार भी करेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहे, इंफॉर्मेशन संबंधी कोई बात हो, कुछ पूछना हो, कोई प्रश्न हो, उस तरह के आप मैसेज जो है व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं और जुड़े रहे। और आप सभी को बताऊं कि स्पेसिमेन कॉपी आप सभी को भेजी जाएगी, जो हमारी स्पेसिमेन @newagepublishers.com है उस ईमेल आईडी पर हमें लिख दे और वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रदान कर देंगे। उस पर आपनी पूरी जानकारी हमें भेजें ताकि आप तक किताब पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, अपना पूरा पता पिन कोड सहित लिखे। निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहता है कि आप तक ये किताबें पहुंचे और आप इनका फायदा उठाए और अपने बच्चों को भी इनको जो है प्रेरित करें कि वो भी इनको पढ़े और मार्गदर्शन इनसे उनका हो। और सभी को एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जैसे ही वेबिनार खत्म होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में एक फीडबैक फॉर्म डाला जाएगा, आप एक मिनट में उस फीडबैक फॉर्म को भर सकते हैं। उस फीडबैक फॉर्म को भरने के तुरंत बाद आपको जो है एक सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा, डाउनलोड का एक ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लेंगे आप स्वयं अपने मोबाइल पर, अपने पीसी पर या जो भी लैपटॉप जिससे भी आप करेंगे उस पर आपको एक सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। यदि फिर भी किसी को कोई किसी तरह की परेशानी होती है, आपका डाउनलोड नहीं होता है, लिंक आपका काम नहीं करता है, तो हमें वो जो है editorial@newagepublishers.com पर लिख दे, हम उसकी पूरी सहायता करेंगे और उस तक सर्टिफिकेट पहुंचवाएंगे। आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, सभी का आभार। अपडेटेड पाठ्यक्रम भी सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल, जो भी सारी चीजें हैं वो हम ग्रुप में भेजेंगे। ओके, धन्यवाद।
दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना। पढ़ाई हो जो करनी, पढ़ाई हो जो करनी, जरा भी ना घबराना, जरा भी ना घबराना। गोल्डन बुक्स को अपनाना, अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना। कक्षा विषय कोई हो, आसान समझ पाना, गोल्डन ही तो है सफलता का पैमाना। गोल्डन ही ला रहा है, गोल्डन ही ला रहा है, चेहरे पे मुस्कुराना, चेहरे पे मुस्कुराना। मैं गोल्डन का दीवाना, अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना। गोल्डन प्रस्तुत करता है हिंदी विषय में कक्षा 11 और 12 आधार की सर्वाधिक बिकने वाली रेफरेंस बुक्स। गोल्डन बुक्स की मुख्य विशेषताएं हैं, सभी पुस्तकें NCERT की नवीनतम पाठ्य पुस्तकों पर आधारित हैं और CBSE के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार हैं। प्रत्येक पाठ के शब्दार्थ और सारांश सरल भाषा में दिए गए हैं। NCERT के सभी अभ्यास प्रश्नों को हल किया गया है बहुत ही सहज भाषा में। अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे बहुविकल्पी प्रश्न बहुतायत में दिए गए हैं। गोल्डन की पुस्तकें कमजोर, औसत और मेधावी छात्रों के लिए वरदान सिद्ध हुई हैं। बहुत ही उचित कीमत में गोल्डन की पुस्तकें घर लाएं और अपना भविष्य उज्ज्वल बनाएं।